嗯嗯啊嗯嗯嗯。<laughs> <laughs> <laughs> हेलो 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 बेटा ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार एक बार दिल से आग लगा दो बस ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो बिल्कुल एवोल्यूशन सिस्टमेटिक वे में चलते हैं मैंने इसके बाद अब बायोटेक और एवोल्यूशन ही ले रहे हैं ठीक है बायोटेक पहले ले रहा हूं कि उसको वेटेज बहुत ज्यादा है ठीक है क्वेश्चन का वेटेज है तो पहले बायोटेक देन इवोल्यूशन ठीक है फिर रिमेनिंग बचे हुए चैप्टर लगभग हम देखो एंड पर आ गए हैं क्लियर है बिल्कुल अब अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो आज हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो जाएगा अगला चैप्टर होगा वो बायोटेक होगा और बायोटेक के बाद इवोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज देन स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ठीक है तो टोटल तो फोर चैप्टर हमारे बचे हैं सारा कंटेंट दे दिया ठीक है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने कहीं ना कहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब बताओ साउंड बताओ साउंड परफेक्ट है या नहीं साउंड साउंड ओके एक बार साउंड बताओ अब साउंड परफेक्ट है या नहीं हां अब साउंड परफेक्ट होनी चाहिए आपके लाइफ अब सही है ओके ओके डन साउंड प्रॉब्लम अब नहीं आएगी साउंड प्रॉब्लम ठीक है अब सही है साउंड परफेक्ट है तो सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है बेटा वन मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारे संकल्प को ठीक है संकल्प लिए संकल्प संकल्प हमारा मतलब हमारे का मतलब है हमारा और आपका ठीक है हम सबका जो संकल्प है उसको वन कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है और बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बेहतर कंटेंट हम दे ही रहे हैं बच्चों ने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कंटेंट यहां पर आ गया इसके अलावा पूरी साल पूरी साल हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देते रहेंगे ठीक है तो वहां कंटेंट मिलता रहेगा जिसको बैच चाहिए तो बहुत मतलब मतलब समझ रहे हो ना इक्कीस सौ बाईस रुपए मत एक छोटा सा एक पार्टी प्राइज होता है नॉर्मल बच्चे के लिए पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वाकई में उनके उनके लिए लिए बहुत बड़ा होता है है ठीक तो उनके लिए हमने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंट, आ, कुछ सीरीज चलती रहेगी हमारी कुछ ना कुछ, कुछ, कुछ चलता ही रहेगा जिससे वो वहां पर चीजें कवर कर सकते हैं ठीक है जिसको एक प्रॉपर वे में प्रॉपर वे में पूरा गाइडेंस के साथ पूरा ऑफलाइन टच चाहिए मतलब बिल्कुल सर जैसे नहीं ऑफलाइन के अंदर केयर करते हुए में हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगी उनको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे जैसे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर कुछ ऐसी सीरीज लेके आओ ठीक है जिसमें एक साथ रिविजन हो तो पहला तो अनाउंसमेंट कर ही देता हूं मैं अभी ठीक है कि हम लोग एक तरीके से जो हमारा ब्रह्मास्त्र चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं ठीक है समझ रहे हो और और एक एक समझ रहे रहे हो और उसको एक नाम दे हैं लास्ट मैराथन क्लियर बिल्कुल आप समझ रहे हो लास्ट मैराथन नाम दे रहे हैं ये बच्चों ने ही सजेस्ट किया था तो लास्ट मैराथन नाम देते हैं और इस मैराथन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है इस मैराथन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर बस अल्टीमेट तरीके से समझ रहे हो छह से सात घंटे लगातार वो क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं जो आपको नीट में मिल जाएंगे पूरा स्टडी स्टार्ट हो गई है पूरी टीम काम कर रही है और टीम ने उन क्वेश्चंस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है एक्चुअल में जो प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक से और सब टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं और ज्यादा हुए हैं ठीक है उन्हीं से उन्हीं से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरीके के जिससे कि आपकी प्रैक्टिस कुछ ऐसी हो कि वो समझ रहे हो वो लास्ट जो मैराथन है दो लास्ट मैराथन है वो लगभग लगभग आपके नीट के वहां से आपको रेप्लिका मिल ही जाए ठीक है कुछ ये हमारी कोशिश है ठीक है इतना ही नहीं एक काम और हम करने वाले हैं आपके लिए ठीक है सजेशन बताना ठीक है ऑलरेडी हम अनाउंस तो कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में हम लास्ट टाइम पर थ्री फुल लेंथ पेपर लेकर के आ रहे हैं फुल जैसे नीट का बिल्कुल पैटर्न होता है विद डिस्कशन वही टाइम रखेंगे हम लोग दो से पांच के बीच का अपना टाइम ठीक है जिसके अंदर आप पेपर दोगे बिल्कुल सीरियस होकर के 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 फुल लेंथ पेपर पेपर होगा बिल्कुल नीट हिसाब से हम लेके चल रहे हैं और पेपर देने के बाद हमारी पूरी टीम से लेकर के दस ग्यारह बारह जितना ही टाइम बचेगा ग्यारह बजे तक पूरा पेपर एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कराएगी जैसे नीट का पेपर डिस्कस कराते हैं ठीक है तो ये दो सीरीज नो डाउट आपके मार्क्स को हंड्रेड परसेंट इंप्रूव करेंगी समझ रहे हो ना मेरी बात हंड्रेड परसेंट करेंगे तो बेटा इसको थोड़ा सा सभी ज्वाइन करना मैं ये कहूंगा ठीक है लाइव ही लेके आएंगे यूट्यूब पर लेके आएंगे समझ रहे हो ना धमाल करते हुए लेके आएंगे ठीक है तो जो डेडिकेशन के संग हमारी पूरी टीम दिन और रात लगी हुई है ना बेटा मजेदार मतलब मजा आ रहा है ठीक है मेहनत करने में तो मजा आता है ठीक है और बस जो एक ड्रीम था कि हाँ यार हर कोई ठीक है भाई अगर किसी को भी फ्री फ्री कर रहे थे फ्री भी हम दे रहे हैं बेटा टेंशन मत करो ठीक है और छोटे छोटे बैच भी लॉन्च कर देंगे जिससे कि जिसको एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए तो वो उधर भी स्टार्ट कर देंगे ठीक है पर कंटेंट आपको एकदम बेहतरीन मिलेगा बस उसमें आपको कहीं मतलब मतलब ही नहीं है ठीक है क्योंकि अभी आप लोगों ने ट्वेल्थ वाला बैच लॉन्च किया है उसके अंदर सब कुछ एकदम परफेक्ट है बच्चों के फीडबैक बहुत बेहतर आ रहे हैं ठीक है चलो आप कंटिन्यू कर देते हैं तो दो अनाउंसमेंट हो गई दोनों ध्यान रखने दोनों अनाउंसमेंट है एक तो ठीक है लास्ट मैराथन ठीक है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा लेके चलने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यूलॉजी बॉटनी ठीक है दूसरा अनाउंसमेंट ठीक है हम लास्ट टाइम थ्री फुल लेंथ पेपर डिस्कस करेंगे ठीक है आपको टेस्ट देना है देन डिस्कशन और कुछ छोटे छोटे सरप्राइज भी हैं जो बीच बीच में हम अनाउंस करेंगे ठीक है मतलब नीट तक लगे रहेंगे छोड़ेंगे नहीं और फिर नीट के बाद तो लगे रहना ही है 2024 के लिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बेटा खतरनाक तरीके से पूरी पावर के साथ अब पहले समझ लो चैप्टर तो छोटा है एंड पर आ गए सिर्फ चार चैप्टर बचे हैं आज के बाद ठीक है बायोटेक और एवोल्यूशन पहले कराऊंगा रिमेनिंग चैप्टर में बाद में कराऊंगा ठीक है तो सबसे पहले तो उसका क्या है? सारे के सारे आ जाओ पहले आए या नहीं आए यार तेजी से आओ तेजी से आओ आ जाओ बस तुम्हारी प्रेजेंस बहुत जरूरी है ये प्रेजेंस ही तो बूस्ट करती है गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून यस एवोल्यूशन वन शॉट ही दूंगा मैं एवोल्यूशन वन शॉट ही मिलेगा आपको ठीक है पूरा यही याद करा देंगे का वेटेज बताएंगे सब टॉपिक भी बता दूंगा कहां से क्वेश्चन आएगा ठीक है पूरा वेटेज सब टॉपिक और उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा वन शॉट के अंदर और पूरा एवोल्यूशन ले लूंगा एक साथ में टेंशन मत करो देखो कोई भी तुम भगवान टर्म यू, मत यूज किया करो किसी के लिए भी ठीक है टीचर वाकई में असली टीचर वही है जो बच्चों के लिए हमें कभी भी अहित ना सोचे उनके बेनिफिट के लिए अपना वो डेडिकेशन से लग जाए ठीक है वो सही मायने में टीचर है और भाई हम लोगों की गुरु दक्षिणा अगर कही जाए तो इतनी होती है मेनली कि आप अपने हर टीचर का रिस्पेक्ट करो हर टीचर का ठीक है चाहे वो कोई भी हो ठीक है चाहे वो आपका उस समय का टीचर क्यों ना हो जब जब नाइन टेंथ ट्वेल्थ की है क्योंकि टीचर वाकई में असली टीचर होता है ना वो बहुत मतलब मतलब मैं क्या बताऊं ठीक है आपके अंदर भगवान ढूंढता है मेरे मतलब पता ही होगा कि ऑलरेडी मैंने साइंटिस्ट बी साइंटिस्ट सी इन सबके लिए अप्लाई किया था बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं सर आप इस लाइन में आओ तब मेरे अंदर एक ही चीज़ आई थी कि यार बच्चे भगवान का रूप होते हैं बच्चे मन के सच्चे ये दिमाग में उस समय बहुत रहता था मेरे वो थोड़ा सा मैंने समझ समझ लो इन दिनों कुछ ऐसी चीजें देखी उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे ये भी मुझे पता है उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे बच्चों को तो सिर्फ इन्फ्लुएंस किया जा रहा था ठीक है पर कोई नहीं ठीक है कोई नहीं तो बच्चा मन का सच्चा होता है तो हमारा जो प्रोफेशन है वो समझ लो कि एक दिन एकदम एक पवित्र है ठीक है ठीक बच्चे और आप ठीक है कोई बीच में है ही नहीं तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हाँ इंटरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए और हमारा और आपका टारगेट जो नीट ट्वेंटी है इस साल इसके अलावा और कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए क्लियर है बिल्कुल ड्रॉपर बैच की अगर हम बात करते हैं तो हम नीट के जस्ट बाद लॉन्च कर देंगे ठीक है नीट तक हम कोई भी सेकंड थॉट लाना ही नहीं चाहते ना बच्चे के दिमाग में ना अपने दिमाग के अंदर क्योंकि अभी आपने परीक्षा नहीं दी बच्चे मुझे फोन करते हैं सर क्या करना है अरे बेटा अभी सोच क्यों रहे हो सेकंड थॉट क्यों आ रहा है आपके दिमाग के अंदर अभी तो एग्जाम नहीं हुआ ना पूरी साल तैयारी की थी किसके लिए की थी एग्जाम के लिए तो इस साल हम पहले एग्जाम देते हैं ठीक है उसके बेस पर हम सेकंड थॉट क्रिएट करेंगे उससे पहले हम सेकंड थॉट क्रिएट नहीं करेंगे अगर हम के की बात करते हैं नन्ना सा चैप्टर है आज जितना मैं करा दूंगा ना आपको दो क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे पक्का ठीक है अब आप ही देख लो लास्ट ईयर दो आए उससे लास्ट ईयर तीन क्वेश्चन आए फिर दो फिर तीन दो से तीन क्वेश्चन सिंगल शॉट में टोटल कराने वाला हूं टोटल ठीक है एनसीआर लाइन टू लाइन को एक बेहतरीन तरीके से अरेंज करके आपके दिमाग की लाइब्रेरी में अभी याद करा दूंगा सारी एनसीआर लाइन है जिस चैप्टर को पढ़ने से भी दिक्कत आती है इसकी लाइनें इतनी टिपिकल है नहीं समझ में आती कोशिश रहेगी कोशिश रहेगी कि आपको यही ब्रेन में सेट करा दें ठीक है, है क्योंकि डेटाबेस है गवर्नमेंट के सारे डेटा है अभी लेटेस्ट एनसीआरटी के अकॉर्डिंग पर एनसीआरटी में कुछ अपडेशन हुए जो 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 नेक्स्ट 2024 ए, आ, के लिए चेंजेस होंगे जो अब नई एनसीआरटी आएगी उसमें काफी चेंजेस हैं ठीक है तो जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे जो आगे अपडेशन देंगे या आगे जो भी हम लेक्चर लेंगे वो अकॉर्डिंग टू जो नए जो अपडेशन हुए उसके अकॉर्डिंग लेंगे ठीक है तो उसकी टेंशन नहीं करनी है पर अभी जो 23 में एग्जाम होना है वो अभी लेटेस्ट एनसीआरटी के अकॉर्डिंग होना है उसमें कोई चेंजेस नहीं है ठीक है तो उसके हिसाब से दो से तीन क्वेश्चन है टोटल डेटाबेस है टोटल डेटाबेस बेस ठीक है तो डेटा पे काम करने वाले हैं ओके तो करते हैं स्टार्ट एक बार प्यार से दिल से आग लगा दो यार बस बस और बोलो थोड़े से बस मैं लाइव और जुड़ जाए बहुत मजा आता है लाइव जितने जुड़ जाएंगे तो एकदम एनर्जी का फ्लो बन जाएगा ठीक है यही याद कराऊंगा दो घंटे के अंदर मैं रियल में टू आर में खत्म कराने वाला हूं ठीक है बस जुड़ जाओ ठीक है बहुत बढ़िया हैश महा रिविजन जोलॉजी ठीक है आप नाम दो जो भी अगर आपका कोई नाम अच्छा होगा तो उसको भी सजेस्ट कर लेंगे अभी तो बस दिमाग में आ रहा था लास्ट मैराथन ठीक है अगर आप कोई और अच्छा सा नाम देना चाहते हो तो आपके नाम को मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं उसको यूज करेंगे ठीक है तो आपको जो भी लगे उस सीरीज को बहुत बेहतर तरीके से मतलब सच कह रहा हूं लग गए हैं लोग सारे के सारे पूरी टीम लग गई है ठीक है एक एक क्वेश्चन ढूंढ रही है सीआरटी की एक लाइन से निकाल रहे हैं पी क्यू सेलेक्ट कर रहे हैं कहां से क्या निकालना है ठीक है सब लोग लग गए हैं क्योंकि अब अगला टारगेट हमारा वही है पूरा कंप्लीट रिवीजन क्वेश्चंस की फॉर्म में ठीक है अंतिम या कह सकते हो तो लास्ट मैराथन और लास्ट के तीन पेपर जरूर देना यार बेहतरीन होंगे और तुम खुद कहोगे इस मैराथन और लास्ट के तीन पेपर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप नीट के पेपर देखे आओगे ना आपका चेहरे पर स्माइल होगी तब बात करेंगे ठीक है चलो तो सबसे पहले बात करते हैं अब दो क्वांटिटी अब कोई बात नहीं चैप्टर एंड होने के बाद ही डिस्कस करेंगे चैप्टर एंड होने के बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं सारे के सारे लगभग बच्चे आ चुके हैं दिल से आग लगा चुके हैं बेहतरीन सुपर चलो बहुत बढ़िया <laughs> बेटा पढ़ाने के लिए तो आई है ठीक है तो स्टार्टिंग में कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी वो दे दी मैंने अब कंटिन्यू करते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं है? तो रिप्रोडक्टिव है, पहला, पहला, आप फिजिकली हेल्दी है इट्स ओके फिजिकली आप हेल्दी हैं इट्स ओके पर साथ साथ में इमोशनली बिहेवियर से और सोशली आप हेल्दी हैं या नहीं कहीं दिमाग के अंदर कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा समझ रहे हो दिमाग के अंदर कोई षडयंत्र तो नहीं चल रहा तो आप सही मायने में फिजिकली हेल्दी होते हुए भी हेल्दी नहीं है क्लियर है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है इंसान फिजिकली इमोशनली बिहेवियर से और सोशली भी उसके थॉट ठीक है अगर हेल्दी है तभी वो सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो ध्यान रखना है अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता हूं तो उसका जो जो मेन हेडक्वार्टर है, है वो जिनेवा में है कहीं एक पुराना क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए तो डाल दिया मैंने वो जिनेवा में ध्यान रखना है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है है फोर फोर यही इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा फिर से बोल रहा हूं फिजिकली तो है, पर साथ साथ में इमोशनली बिहेवियर से और सोशली इमोशनली बिहेवियर से और सोशली अगर आप हेल्थी हो तभी सही मायने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो क्लियर है बिल्कुल इस चैप्टर को बिल्कुल स्टोरी की तरह कहानी की तरह सुनोगे ओनली स्टोरी और कहानी की तरह यही याद कराएंगे ठीक है विद इन टू आवर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बताती है रिपोर्डक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या आई समझना मेरी बात क्योंकि ये आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी इंडिया तो छोड़ो ठीक है इंडिया चाइना ये दो कंट्री इतनी खतरनाक थी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी ठीक है तो इंडिया में भी परेशानी थी चाइना में भी परेशानी थी तो बहुत टेंशन में थे लोग क्या करें ठीक है आखिर तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ठीक है भाई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं साथ साथ में ठीक है और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तो इन सब एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इंडिया पहला कंट्री था इस पूरी दुनिया में इंडिया पहला कंट्री था जिसने समझ उसका गोल किया था उसका गोल था कि प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर काम करना ठीक है इसको ध्यान में रख करके उसने पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में इंडिया पहला कंट्री था पूरी दुनिया के अंदर चाइना से भी आगे था इस मामले में ठीक है बाद में इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मोल्ड किया गया क्या किया गया इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ को भी जोड़ा गया क्योंकि स्वस्थ भारत तब होता है जब उसकी यंग जनरेशन ठीक है स्वस्थ होती है यानी अगर इनिशियली बॉर्न बेबी अगर हेल्दी है ठीक है तो नो डाउट वो आगे जाए उनका ब्रेन हेल्दी होगा अगर उनका ब्रेन हेल्दी होगा तो हंड्रेड परसेंट वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और अपने इंडिया को भी एकदम हेल्दी और मजबूत बनाएंगे ठीक है तो सीधी सी बात है समझ में आ गया होगा इंडिया द इंडिया वॉज एमाउेज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल बड़े लेवल पर नेशनल लेवल पर सबसे पहले इंडिया ने स्टार्ट किया था जिसका क्या था रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेन गोल था समझ रहे हो मेन गोल था कब लॉन्च किया था 1951 में किस नाम से लॉन्च किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया था ठीक है एक बात क्लियर है ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया था एक मिनट क्या है भाई कोई नहीं समझ रहे हो ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया था इसमें तो कोई क्लियर है नहीं याद भी रहेगा आपको ठीक है इंडिया पहला कंट्री था 1951 में लॉन्च किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया बाद में इसको मोल्ड किया आरसीएच रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ हमने चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी जोड़ दिया और मॉडिफाई कर दिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने क्वेश्चन आएगा तो अभी मैं रिवीजन कराता वो बढ़ूंगा आगे. एक बात मैंने, आप, के साथ साथ इमोशनल बिहेवियर और सोशली भी हेल्दी होने चाहिए ठीक है अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या स्ट्रेटेजी है प्रॉब्लम क्या है तो भाई बढ़ती हुई जनसंख्या के संग इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम में बढ़े तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी तो इंडिया पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया 1951 में बनाया जिसको आगे जाकर के मॉडिफाई किया रिप्रोडक्टिव के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी जोड़ा गया क्लियर बिल्कुल अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या था क्यों बनाया इस प्रोग्राम को भाई क्या काम करता है यह प्रोग्राम समझ रहे हैं मेरी बात तो प्रोग्राम की बात कर लेते हैं क्या काम करता है ठीक है अगर मैं इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो इसका पहला ऑब्जेक्ट था कि कैसे भी करके इस पूरी इंडिया के अंदर अवेयरनेस लेकर के आओ समझ अवेयरनेस बहुत जरूरी थी अगर मैं अवेयरनेस की बात करता हूं तो अवेयरनेस के अंदर किसकी अवेयरनेस यह क्वेश्चन आता है और अवेयरनेस के लिए उन्होंने क्या किया दो बातें दिमाग में आएंगी ठीक है तो अगर हम बात करते हैं किसकी अवेयरनेस और क्या किया तो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्ट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट ठीक है अब जैसे पहला क्वेश्चन आएगा कि अवेयरनेस के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली आप बोलोगे ऑडियो 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 विजुअल विजुअल प्रिंट प्रिंट मीडिया मीडिया इसकी हेल्प ली पहला उन्होंने किसी का प्रचार करना है ठीक है मतलब उसको अवेयरनेस फैलानी है तो इस प्रोग्राम ने जो आरसीएच प्रोग्राम था तो इन्होंने क्या किया ऑडियो सिस्टम यूज किया क्योंकि उस समय में उस जो टाइम था ट्रांजिस्टर चलते थे ट्रांजिस्टर समझते हो ठीक है रेडियो बोलते थे उस समय ट्रांजिस्टर रेडियो तो ट्रांजिस्टर के थ्रू ये एड करते थे ये आकाशवाणी का केंद्र है ठीक है इस तरीके से सारी सारी बातें वो करते थे हम दो हमारे दो बढ़ती जनसंख्या ये चीजें वो चीजें ठीक है एटसेट्रा ठीक है ऑडियो विजुअल विजुअल का मतलब है टेलीविजन हुआ करते थे उस समय बहुत बड़े बड़े ठीक है साथ साथ में पिक्चर हॉल सिनेमा हॉल हुआ करते थे उनमें एड चलते थे इन्हीं चीजों के गवर्नमेंट वाले एड ठीक है इंटरवल में एड चलते थे स्टार्टिंग में एड चलते थे लास्ट में भी एड चलते थे ठीक है तो एक तरीके से विजुअल सिस्टम हो गया एंड प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया का मतलब न्यूज पेपर में यह आपकी जो जो आपके उस समय लेटर का बड़ा कंसेप्ट था ठीक है आज के डेट में तो मेल करते हैं उस समय लेटर लिख करके हम डाला करते थे तो उनमें इसका ऐड होते थे ठीक है रेलवे टिकट लेते थे उनमें ऐड होते थे गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कूल्स ठीक है इन सब के अंदर दीवारों पर ऐड होते थे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के वो उनमें सब जगह ऐड होते थे तो प्रिंट मीडिया का भी यूज किया ठीक है अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किस किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए भाई अवेयरनेस ठीक है किसकी अवेयरनेस बताता हूं ठीक है पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लोजली रिलेटिव का पार्टिसिपेशन होना चाहिए टीचर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो हम आपको भाई अवेयर कर ही रहे हैं ठीक है अपना रहे फ्रेंड्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए पर समस्या यह आती है इन सब में सबसे सेफ जो अगर कोई है तो पेरेंट्स हैं ठीक है तो पेरेंट्स की भूमिका सबसे ज्यादा होनी चाहिए सबसे ज्यादा पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए क्योंकि क्लोजली रिलेटिव अच्छे हो यह बहुत कम होता है टीचर्स अच्छे हो यह भी बहुत कम होता है ठीक है और फ्रेंड्स अच्छे हो यह भी बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो पड़ता ही है ठीक है तो सीधी सी बात है तो समझ में आ गया इन चारों का पार्टिसिपेशन क्योंकि उसमें क्वेश्चन आएगा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ठीक है प्ले इंपोर्टेंट रोल या मेजर रोल किसके अंदर आप बोलोगे अवेयरनेस के अंदर ठीक है ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया पेरेंट्स क्लोजली रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट और स्कूल को भी इंकरेज करना चाहिए भाई तुम भी बताओ पर स्कूल्स में इंडिया के अंदर जो स्कूल्स में अवेयरनेस आ रही है वो इलेवेंथ ट्वेल्थ से स्टार्ट हो रही है 11th भी नहीं 12 से स्टार्ट हो रही है बट इसकी रिक्वायरमेंट अर्ली स्टेज में है पर डरते हैं कि स्कूल्स में अर्ली स्टेज पर अगर हम सेक्स एजुकेशन देंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा डर इस वजह से स्कूल इस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे अर्ली स्टेज में टेंथ स्टैंडर्ड पर ठीक है समझ रहे हो ये थोड़ा लेट स्टैंडर्ड पर स्टार्ट हो रहा है पर इस स्टैंडर्ड पर थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर क्लियर बिल्कुल तो क्लियर हो गया कि अवेयरनेस के लिए क्या क्या तरीके यूज किए कहानी की तरह सुनो बस पूरा दिमाग में सेट करा दूंगा कहानी की तरह सुनो ठीक है ठीक है समझ में आ गया उन्होंने क्या किस तरीके से अवेयरनेस के उन्होंने जरिए क्या ढूंढा अब बात आती है किसकी अवेयरनेस किस चीज की अवेयरनेस चल रही है टारगेट करके अवेयरनेस फैलाना चाहता है एडोलसेंस एडोलसेंस का मतलब जो आपकी उम्र है वही 11-12 साल से लेकर 18 साल के बीच का जो उम्र होता है ना यह बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है ठीक है इस पीरियड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेस होते हैं उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है आप समझ रहे हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो चेंजेस होते हैं कि, किस एज के अंदर एडोल उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है आप समझ रहे हो चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से ठीक है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी बच्चे कर लेते हैं ठीक है जिसके साइड इफेक्ट कितने खतरनाक है मतलब बताना गवर्नमेंट बताती है भाई करो ठीक है सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर जरा सी भी गलती हो गई ना तो क्या होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स जैसी भयानक बीमारियां जिससे मौत तय हो सकती है मतलब मौत 100 परसेंट मानो कि ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो इस सब चीजों की अवेयरनेस पूरा अलर्ट करके कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं एडोलसेंस वही 11-12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ठीक है सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर जरा सी भी गलती हुई तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स जैसी भयानक बीमारियां समझ रहे हो मौत का दरवाजा दिखा सकती हैं क्लियर है बिल्कुल पूरा कहानी की तरह ठीक है, है फिर से मैं रिविजन लेता हूं मैं हर स्लाइड पर रिवीजन मार दूंगा लास्ट टाइम तक आपके दिमाग में अगर ना सेट हो जाए तो मुझे बता देना वट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो मैंने बताया फोर आस्पेक्ट फोर आस्पेक्ट फिजिकली हेल्थी के साथ साथ सोशली इमोशनली और ठीक है इमोशनली uh, सोशली और क्या एक एक और था फिजिकली सोशली इमोशनली और एक और टर्म मैंने बोला था ठीक है मतलब चार एस्पेक्ट मैंने बताए इन चार एस्पेक्ट से ठीक है आप समझ रहे हो इन चार एस्पेक्ट में आप हेल्दी होने चाहिए आप समझ रहे हो इमोशनली बिहेवियर से भी बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है आप समझ किस बिहेवियर से किस निगाहों से लोगों को देखते हो ठीक है तो सोशली इमोशनली बिहेवियर से और फिजिकली इन चारों एस्पेक्ट में अगर हेल्दी हो तभी सही मायने में आप हेल्दी हो क्लियर है बिल्कुल सेकंड मैंने बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या क्या, क्या प्रॉब्लम थी उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी ठीक है ठीक है इसके लिए इंडिया पहला कंट्री था पूरी वर्ल्ड में जिसने फैमिली प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया 1951 में जिसको आगे जाकर के आरसीएच के फॉर्म में मॉडिफाई कर कर दिया उसका ऑब्जेक्ट क्या था पहला ऑब्जेक्ट था अवेयरनेस किस चीज की भाई अवेयरनेस के लिए क्या किया उन्होंने अवेयरनेस के लिए ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया यूज किया किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए पेरेंट्स टीचर्स क्लोजली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए नो डाउट स्कूल का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए किसकी अवेयरनेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोल्टेंस और उसमें होने वाले चेंजेस इसकी अवेयरनेस सेफ एंड हाइजेनिक सेक्चुअल प्रैक्टिस की अवेयरनेस एंड अगर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं होंगे एस टी डी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स जैसी भयानक बीमारियों की अवेयरनेस ये इसका टारगेट था ठीक है भाई समझ में आ गया इसका टारगेट था इसके लिए स्ट्रेटजी क्या यूज की इन लोगों ने भाई आरसीएच प्रोग्राम की स्ट्रेटजी क्या थी हर चीज पर जुड़ी हुई है पूरी कहानी है स्टोरी अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने दो ग्रुप ढूंढे दो ग्रुप ढूंढे ठीक है भी ले चल रहा हूं दो ग्रुप ढूं स्ट्रेटेजी में भाई कहा कौन कौन से ग्रुप ढूंढे एक फर्टाइल कपल और वो कपल जो अभी उनकी कह सकते हो कि मैरिजेबल एज ग्रुप में आ गए जिनकी मैरिज ठीक है होने वाली है या उस एक एज ग्रुप के तो फर्टाइल कपल ढूंढे और मैरिजेबल एज ग्रुप वाले लोगों को ढूंढा भाई इनको अवेयर करना है मेनली इनको अवेयर करना है ठीक है किस चीज की अवेयरनेस करनी है भाई मार्केट में कौन कौन से बर्थ कंट्रोल डिवाइस अवेलेबल है उसकी अवेयरनेस गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड कराती है किसके साइड इफेक्ट हैं, किसकी रिवर्सिबिलिटी है किसकी कह सकते हो कि एफिशिएंसी कितनी है किसके फेल्योर चांस ज्यादा हैं, यानी बर्थ कंट्रोल डिवाइस की अवेयरनेस ये स्ट्रेटेजी में नंबर वन था ठीक है अगर मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग हैं तो नो डाउट बेबी कंसीव करेंगे अगर बेबी कंसीव करते हैं तो इसको अवेयर जरूर करना है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर मदर अगर कोई प्रेगनेंसी का केस है तो उसकी केयर कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर मदर के न्यूट्रिशन में जरा भी कमी हो गई या इनिशियल फेज में मदर ने कोई एल्कोहलिक सबिस्टेंस या कोई ड्रग यूज कर लिए तो एबनॉर्मल बेबी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है समझ रहे हो ना मेरी बात तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर तो प्रेग्नेंट मदर की केयर इतना ही नहीं पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड बेबी क्यों क्योंकि पोस्ट नेटल केयर क्योंकि जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद मदर की हालत बहुत खराब होती है ठीक है यानी मंथ तक मदर की केयर करना बहुत जरूरी होता है समझ रहे हो और जन्म के बाद उस बच्चे की केयर करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक साल तक भयानक बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे क्वाशरकोर मेरासमस अगर उसके न्यूट्रीन न्यूट्रिशन में कोई भी कमी आ जाती है तो ठीक है तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड ठीक है समझ में आ गया ये भी समझ में आ गया ठीक है और किस चीज की अवेयरनेस भाई इंपॉर्टेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग क्यों हर माँ को ठीक है ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए ठीक है इससे मदर को भी फायदा होता है और फीटस को भी फायदा होता है ठीक है बेबी को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है और मदर का वेट नियंत्रित रहता है कंट्रोल में रहता है ठीक है आप समझ पा रहे हो मेरी बात तो ये ये चीजें समझना ये उस स्ट्रेटेजी में इंक्लूड है फिर से बोल रहा हूं बर्थ कंट्रोल डिवाइस की अवेयरनेस केयर ऑफ ठीक है प्रेग्नेंट मदर की केयर उसकी अवेयरनेस ठीक है अगर बेबी कंसीव कर लेते हैं पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस और आफ्टर बर्थ फीडिंग करेगा बच्चा तो ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस ठीक है इतना ही नहीं ये भी बहुत जरूरी था इस प्रोग्राम में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दो मेल और फीमेल बेबी को मालूम पड़ रहा है मेल की चाहत के अंदर फीमेल की लाइन लग गई जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड बराबर अपॉर्चुनिटी दो ठीक है समझ रहे हो बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू ठीक है ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या अनकंट्रोल पॉपुलेशन अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे दोनों चाइल्ड को तो बता होना चाहिए कि क्या होगा अगर चाइल्ड बहुत ज्यादा है तो आगे जाकर के उनकी एजुकेशन उनकी तमाम चीजों में प्रॉब्लम आएगी और नेचर में फूड शेल्टर लिमिटेड है समझ रहे हो तो जिसके साइड इफेक्ट कितने होंगे वो सब उन चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए ठीक है इसके अलावा सोशल ठीक है कह सकते हो सोशल अविल लाइक सेक्स एब्यूज सेक्स रिलेटेड क्राइम इन सब की अवेयरनेस इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होती है सारी एनसीआर की लाइंस हैं उनको हमने ब्रेक किया है पॉइंट्स की फॉर्म में जिससे आपके ब्रेन में सेट किया जा सके ठीक है तो स्ट्रेटेजी के अंदर समझ में आया स्ट्रेटेजी में मैरिजेबल एज ग्रुप लिया हमने फर्टाइल कपल लिए इनको अवेयर करना है फिर से बोल रहा हूँ किसकी अवेयरनेस जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस अगर बेबी कंसीव करते हैं ठीक है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की केयर की अवेयरनेस ठीक है पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस और पोस्टनेटल नेटल ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी अवेयरनेस मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इसकी अवेयरनेस अगर आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से क्या क्या खतरनाक चीजें हो सकती हैं उसकी अवेयरनेस और जो सेक्स अब्यूज ठीक है और इसके रिलेटेड होते हैं ठीक है जैसे आपने सुना होगा मुहिम चली थी गुड टच बैड टच जो बहुत जरूरी है इन सब चीजों की अवेयरनेस बच्चों को ठीक है आप समझ रहे हो ना तो ये सब इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी इंक्लूड है तो स्ट्रेटजी समझ में आ गई क्लियर है ना बिल्कुल इतना ही नहीं इतना ही नहीं आगे और बताता हूं इस इस स्ट्रेटजी के अलावा हमें और क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था आगे बढ़ते हैं सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन भी तो करना है स्ट्रेटजी बना ली अब इस सबका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कब होगा समझना इन सबका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कब होगा जरा बताओ इन सबका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कब होगा बहुत बढ़िया सुपर super... अरे यार एवोल्यूशन 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 बायोटेक के बाद होगा ठीक है सिस्टमेटिक भी मैं ले रहा हूं इसके बाद बायोटेक बायोटेक के बाद एवोल्यूशन ठीक है हाँ अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन खाली हम समझ रहे हो ना हम गीत ये 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 ऐसे थोड़े ना होता है इंप, इंप्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है खाली डेटा लिखने से काम नहीं बनता उसका इंप्लीमेंटेशन तो इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया मतलब आरसीएस ने क्या काम किया एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ठीक है नो no डाउट उस समय अभियान चला था ठीक है कि डिफरेंट टाइप के क्लिनिक्स बने थे गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक्स क्योंकि मैं जिस गांव को बिलोंग करता था वहां उससे हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं हुआ करते थे मुझे याद है अभी भी ठीक है कुछ भी नहीं हुआ करता था वहां से चार किलोमीटर दूर चार पांच किलोमीटर दूर ठीक है एक छोटी जगह हुआ करती थी वहां क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हुआ करते थे ठीक है छोटे मोटे हॉस्पिटल्स क्लिनिक ठीक है तो बहुत दिक्कतें थी तो गवर्नमेंट ने कहा गया मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया कहीं खाली इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं बनेगा क्योंकि एनिमल्स गाय भैंस उन हॉस्पिटल्स जो खाली पड़े थे बिल्डिंग्स बने थे 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 बै थे उसमें जाके वो वो घूमते बैठते ठीक है तो वो भी बेकार था उसके लिए क्या चाहिए था वहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी डॉक्टर्स होने चाहिए थे समझ रहे हो अब कौन भाई आपसे कहा जाए कि पांच साल एमबीबीएस करो और आपको अपॉइंट कर दिया जाए ऐसी जगह पर तो आप जाओगे नहीं जाओगे तो लोग अपॉइंट नहीं होते थे ठीक है तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया इंटर्नशिप के दौरान आपको एक दो साल का एक टाइम है इसमें आपको ऐसी जगह पर काम करना पड़ेगा तो चीजें बनी जिसकी वजह से वहां लोगों को फैसिलिटी मिली तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इसके अलावा मेटेरियल सपोर्ट अगर आप सब कुछ है डॉक्टर भी है बिल्डिंग भी है मेटीरियल सप्लाई नहीं है वहां पर ना मेडिसिन है ना इंस्ट्रूमेंटेशन है कुछ है नहीं तो क्या कर लोगे आप कुछ नहीं तो इन तीन बातों पर ध्यान दिया गया सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मेटेरियल सपोर्ट इससे क्या फायदा हुआ इससे उन लोकल लेवल पर जो प्रॉब्लम हुआ करती थी क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी भाई प्रेगनेंसी रिलेटेड दिक्कतें हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे याद है ठीक है डिलीवरी की प्रॉब्लम हुआ करती थी भाग रहे हैं या घर में ही हो रही है या रास्ते में हो रही है ठीक है एस लोगों को होती थी समझ में नहीं आती थी इनका करना क्या है ठीक है एबॉर्शन कराना होता तो कैसे पॉसिबल है मतलब मतलब बहुत दिक्कतें होती थी ठीक थी, है आप समझ रहे हो तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी डिलीवरी एस टी डी एबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी ऐसी कॉमन चीजें थी आप समझ रहे हो इसके लिए सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी था उन क्षेत्रों में ठीक है अच्छा इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर रही है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या सफिसियंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल एक्सपर्टी और मेटेरियल सपोर्ट से काम बन जाएगा ना इतने से काम नहीं बनेगा ठीक है और भी काम करना है गवर्नमेंट को तो इस आरसीएस प्रोग्राम ने समझना और क्या क्या किया इसने मैसिव इम्यूनाइजेशन मैसिव इम्यूनाइजेशन यानी बड़े पैमाने पर इंडिया स्तर पर ठीक है टीकाकरण अभियान ठीक है वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जो इसमें इंक्लूड था पल्स पोलियो अभियान ठीक है इसमें इंक्लूड था जो छोटा बच्च बच्चा होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि ये सब वैक्सीन लगवानी है फ्री ऑफ कॉस्ट है जो इस प्रोग्राम में इंक्लूड था इसके अलावा उस समय फीमेल फिटिसाइट के केस बढ़ रहे थे फीमेल फिटिसाइट समझ रहे ना मेरी बात अगर कोई फीमेल है तो लोग ठीक है कह सकते हो एम्ब्रनिक स्टेज में ही सेक्स डिटरमाइन करा करके फीमेल फीटस की डेथ करा देते थे अगर बर्थ हो गई है तो उसको छोड़ देते थे तो फेंक देते थे डेथ हो जाती थी इसके केस बढ़ रहे थे क्यों क्योंकि दहेज प्रथा थी बहुत ज्यादा ठीक है तो नहीं चाहते थे लोग चाहते थे कि लड़का ही हो लड़की नहीं होनी चाहिए ऐसी ऐसी धारणाएं थी उस समय ठीक है तो इसी चीज के लिए फीमेल फिटिस के केस बढ़ रहे थे ठीक है उसके लिए गवर्नमेंट ने भाई एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन में एक टेक्निक ढूंढी थी एमनियो जो ढूंढी गई थी कह सकते हो डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है क्योंकि हमें पता है ना कि डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते, है, है? तो होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी समझ रहे हो ना ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है ठीक है तो जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो ऐसे बच्चे अगर जन्म लें उससे अच्छा है वो जन्म ना लें क्योंकि दुख बहुत मिलेगा उनको क्लियर है तो उनको एम्ब्रियोनिक स्टेज में आइडेंटिफाई करके ही अबॉर्ट कर दिया जाए तो उसके लिए एक टेक्निक बनाई गई एमनियोसेंटेसिस टेक्निक भी इसी इसी अभियान के अंतर्गत बनाई गई थी पर पर इसको दुरुपयोग किया गया एमनियोसाइनसिस से हम क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी पता करते थे तो इससे क्रोमोजोम भी पता चल जाते थे कि एक्स क्रोमोजोम या है और एम्ब्रोनिक स्टेज में इस टेक्निक को यूज करते हैं और एक्स एक्स क्रोमोजोम पता चलने से पता चल जाता था कि फीटस कैसा है बेटा फीटस फीमेल है और फीमेल फीटस के केस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती थी, थी?

सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका दुरुपयोग किया गया ठीक मिस यूज किया गया ठीक है जिसकी वजह से क्या था भाई फीमेल के, के केस बढ़ रहे थे तो इस इस गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया गवर्नमेंट ने कहा इसको लीगलाइज करना पड़ेगा कि अगर कोई एमब्रनिक स्टेज में अपने भ्रूण के लिंग मतलब सेक्स को डिटरमाइन करता है तो उस डॉक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगा उन पेरेंट्स को भी पनिशमेंट मिलेगा ठीक है तो स्टेटोटरी बैन ऑन एमसैटिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन स्टेटरी मतलब होता है संवैधानिक संवैधानिक तरीके तरीके से एमनियो को बैन किया गया किस चीज के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ओनली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया गया एमनियो बनी थी क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके लिए बैन नहीं किया गया कंफ्यूज मत होना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एमनियो को बैन किया गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि आप इस टेक्निक का यूज सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं करोगे अगर पाए गए सबूत मिले तो छोड़ा नहीं जाएगा ठीक है जिससे क्या हुआ लीगली लीगली हमने रोका किसको रोका इंक्रीजिंग ठीक है मैं जो फीमेल के फिटिसाइड के केस बढ़ रहे थे उसको रोकने में इसको लीगलाइज किया इसी आरसीएच ने तो आरसीएच ने नो डाउट बेटर टेक्निक ढूंढी उन टेक्निक से उन टेक्निक के जो मिस यूज हो रहे थे उसको भी लीगली बैन किया इस आरसीएच नहीं क्लियर है इस आरसीएच नहीं अब बात करते हैं एमनियो अगर बेटा हम सेंटिसिस की बात करते हैं तो ये एनसीआरटी में डिटेल्ड नहीं है पर बच्चों के दिमाग में आता है सर क्या है एमनियो एमसेस का मतलब होता है जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो एक फ्लूड में फ्लोट करता है इस ठीक है, है? है अगर आप इस फ्लूड को एम स्टेज में निकाल लिया उसमें सेल में, उस, उस में सेल भी होंगे उस सेल में क्रोमोजोम भी होंगे और आपने क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी या सेक्स डिटरमाइन कर लिया ठीक है सेक्स तो सेक्टरमाइन करने का भाई लोग कहां सेक्स डिटर्मिनेशन का मेन पर्प लोगों का होता फीमेल वाला केस ठीक है हाँ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए इसको यूज किया जाता था ठीक है समझना इसमें क्या होता है ठीक है कंडीशन इट में भी डायग्नोसिस क्यों हमने इस टेक्निक को, को बनाया चार डिसऑर्डर पर क्वेश्चन आएगा डाउन सिंड्रोम क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है सीकल सेल जेनेटिकल है, और मस्कुलर जिसके केस अब बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछेगा वो अक्सर कर तो ये सब क्या है? जेनेटिकल डिसऑर्डर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एमनियोटिस को परमिट किया गया ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो मिसयूज क्या किया इसका मिसयूज पर क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग आप बोलोगे यहां पर मिस यूज क्या किया किल किया नॉर्मल फीमेल फीटस को किल करना आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स को आइडेंटिफाई करके फीमेल फीटस को मार दिया ये इसका मिस यूज था अच्छा कैसे करते हैं और कब तक ये सेफ है ये ध्यान रखना है आपको ये लगभग चौदह से अठारह वीक फोर्टीन टू एटीन वीक ये क्वेश्चन पूछा जाता है तक अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हो तो सेफ है फीटस को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर फीटस इससे बड़ा हो जाता है उसके बाद आप उसको एबोर्ट करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट अब नए कॉन्सेप्ट से थोड़ा चीजें चेंज हुई है बताऊंगा अभी आपको ठीक है तो इसमें करते क्या है हमने क्या काम किया फीटस जिस फ्लूड में होता है उस फ्लूड के अंदर मैंने बताया ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं फीटस के ही सेल्स होते हैं सेल्स पड़े हुए हैं हमने इस इंजेक्शन की हेल्प से इन सेल्स को निकाल लिया और इन सेल्स के अंदर इन सेल्स के अंदर हमने सेल्स को निकाल लिया इन सेल्स में क्या होते हैं क्रोमोजोम ठीक है न्यूक्लियस होगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं ठीक है एम्नेटिक फ्लूड से एमनेटिक फ्लूड से इन सेल्स को आइसोलेट करके आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं अगर है, 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 तो है, है? वीक के बीच में अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट अब नया एनसीआर ने क्या अपडेशन किया है जो मैं बताऊंगा ठीक है और इस साल एनसीआरटी ने और अपडेशन करने वाली है बहुत सारे अपडेशन मैंने कल लेक्चर में बताया भी था कल ही हा ठीक है तो कल मैंने लेक्चर में बताया भी अच्छा उसमें ठीक है मैंने उसमें बताया था क्या नाम है ठीक है प्रोटोन बैच के अंदर कि इस साल के एनसीईआरटी के अपडेशन क्या है ठीक है तो एनसीईआरटी ने काफी चेंज किए हैं ठीक है जो ऑलरेडी आप भी डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी की साइट से ठीक है उनको अंडरलाइन कर लेना जो जो अपडेशन हुए हैं पर अभी एनटीए ने अपना कोई डिक्लेयर नहीं किया इस साल एनटीए जैसा था वैसा ही चलेगा नेक्स्ट ईयर के जो रूल्स होंगे एनटीए के वो आगे आएंगे उसको हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे ठीक है और अपने मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी अपडेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एन टी प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे पर एनसीआर टी आप इस एग्जाम जो इस साल का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनको तो कोई डाइवर्ट होना ही नहीं है वो तो एग्जाम दें जो बच्चे इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे जुड़े हुए हैं ठीक है, है यहां पर ठीक है जो अभी उनका नेक्स्ट ईयर टारगेट भी होगा ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं वो लेटेस्ट एनसीआर टी यार जरूर लेना उसमें कंजूसी मत करना ठीक है अपडेटेड एनसीआरटी परचेज कर लेना उसमें कंजूसी मत करना ठीक है चलो ठीक है ये क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अब इसके अलावा मैंने बताया ना सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल एक्सपर्टी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट और मटेरियल सपोर्ट क्लियर था इसके अलावा टेक्निक टेक्निक इंप्लीमेंटेशन या डिस्कवरी ऑफ बेस्ट टेक्निक जिसमें और मैसिव इम्यूनाइजेशन बड़े पैमाने पर टीकाकरण वैक्सीनेशन इसमें इंक्लूड था तो टेक्निक के अंदर एक तो हमने बात की थी एमसेंटिस की और दूसरी बात करेंगे सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि उस समय जो गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो चलते थे वो माला डी माला एन चलते थे जो एक तरीके से हार्मोन कंटेनिंग स्टीरोइड स्टेर लाइक प्रोजिस्ट्रॉन एस्ट्रोजन हार्मोन कंटेनिंग टैबलेट थे ठीक है जिनके साइड इफेक्ट भर भर के थे ठीक है ब्रेस्ट कैंसर उस समय फीमेल्स को बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे क्योंकि टैबलेट्स की वजह से समझ रहे हो ना मेरी बात तो जरूरत थी कुछ ऐसी टेबलेट आए जो नॉन स्टेरॉयडल हो जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजिस्ट्रॉन जैसे स्टीरोड्स ना हो ठीक है तो अपने इंडिया के साइंटिस्टों ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा प्रोग्राम था आरसीएच हफ्ते में एक बार लेनी होती थी हाँ जब स्टार्ट करते थे दो, दो गोली ली जाती थी स्टार्टिंग में पहली फर्स्ट फर्स्ट डोज के लिए फिर वीकली तो वीकली आपको याद रखना है ठीक है नॉन स्टल थी तो क्या था उसकी मेकेनिज्म क्या थी वो मैं बताऊंगा ठीक है किस कहां पर डिस्कवरी हुई थी आप बोलोगे यूपी में एक जगह है लखनऊ ठीक है वहां पर एक इंस्टीट्यूट है सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है वहां के के साइंटिस्टों तो ने इसको ढूंढा था ये उस प्रोग्राम अंतर्गत ही आता है ठीक है आरसीएच इंक्लूडेड इन आरसीएच प्रोग्राम तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई में इसको डिस्कवर किया गया था ठीक है डेवलप बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई इन लखनऊ इट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ठीक है अब खास बात क्या है सहेली की ठीक है अब यह समझनी है आपको खास बात है इसकी सबसे पहले कि ये नॉन स्टीरॉयडल है नॉन है सहेली कैसी है नॉन स्टीरोडल नॉन स्टेरॉयडल ठीक है एक मिनट एक मिनट ठीक है नॉन स्टीरोडल है ये ध्यान रखना है इस पर क्वेश्चन आता है नॉन स्टीरोडल है पहली बात ठीक है समझ में आ गया सर नॉन स्टेरॉयडल है ठीक है नॉन स्टोर है तो क्या होता है इसके अंदर इसमें होता है सेंट क्रोमिन इसमें होता है सेंट क्रोमिन सेंट क्रोमिन ये नॉन केमिकल मिकलिन इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होते सेंटक्रोमिन होता है क्लियर है बिल्कुल समझना इसकी मैकेनिज्म बताने वाला हूं ठीक है मैं सेंटक्रोमिन ये सेंटक्रोमिन करता क्या है ये करता क्या इसकी मैकेनिज्म क्या है आप बोलोगे ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है मॉड्यूलेशन एस्ट्रोजन रिसेप्टर का मॉड्यूलेशन कर देता है मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर ठीक है मॉड्यूलेशन चेंजेस इन एस्ट्रोजन रिसेप्टर तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के अंदर मॉड्यूलेशन के लिए होता है ये सेंट क्लियर बिल्कुल समझ में आ गया ये खास बात थी क्रोमिन की कैसे काम करता है सेंटक्रोमिन समझाता हूं ये बिल्कुल समझाऊंगा अच्छी तरीके से एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करके ही चलेंगे ठीक है ये यूट्राइन वॉल है और यूट्राइन वॉल की अगर बात की जाती है ठीक है ये एंडोमेट्रियम है ये एक काम करता हूं यार ये समझो ये एंडोमेट्रियम है ये एंडोमेट्रियम की सिंगल लेयर है और यहां लगा हुआ है रिसेप्टर ये रिसेप्टर्स हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ठीक है नॉर्मल केस में क्या होता है नॉर्मल केस में क्या होता है जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है एस्ट्रोजन ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब इस रिसेप्टर से बाइंड करता है ना तो क्या काम होगा बाइंडिंग करते ही थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बढ़ जाएगी एस्ट्रोजन जब इस यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम ध्यान रखना एंडोमेट्रियम एंडो मैट्रियम ठीक है एंडोमेट्रियम से जब एस्ट्रोजन बाइंड करता है रिसेप्टर से तो ऑटोमेटिकली क्या होती है इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडो मैट्रियम इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम तो जब क्रोमिन इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा ना ऑटोमेटिकली एंडोमेटरिन की थिकनिंग बढ़ना चालू हो जाएगी जो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है ठीक है अगर आपने क्रोमिन दे दिया किसी को तो सेंट, मतलब सहेली दे दी तो सहेली क्या काम करेगी ये इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगी सहेली जब रिसेप्टर से बाइंड करेगी ना तो रिसेप्टर को क्या कर देगी मॉड्यूलेट अगर रिसेप्टर मॉड्यूलेट हो गए चेंज हो गए तो क्या थिकनिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी चेंज हो जाएंगे तो एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा एस्ट्रोजन की बाइंडिंग अगर नहीं होगी इससे तो थिकनिंग नहीं होगी और थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सहेली करती क्या है ये नॉन स्ट्रोडल टैबलेट करती क्या है ये प्रीवेंट करती है रोकती है क्या रोकती है प्रीवेंट करती है इम एम प्लांटेशन इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करती है सहेली कैसे रोकती है ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करके क्योंकि इसमें कौन होता है सेंट क्रोमिन जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करके इम्प्लांटेशन को रोक देता है समझ में आ गई और खास बात क्या है सहेली की वंस इन अ वीक ठीक है यूज वंस इन अ वीक वंस इन अ वीक बस एक बार ही लेना होता एक मिनट एक बार ही लेना होता है इसको समझ रहे हो ना मेरी बात अरे रिस्पॉन्स तो दो रिस्पॉन्स तो दो भाई अरे आई या नहीं आई ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ फटाफट यस वंस इन अ वीक हफ्ते में एक दिन ही लेनी होती है तो ये मेन पॉइंट लिखे मैंने नॉन स्टीरोडल क्वेश्चन आएगा प्रिवेंट इंप्लांटेशन क्वेश्चन आएगा यूज वंस इन अ वीक हफ्ते में एक बार ही लेनी होती है क्वेश्चन आएगा सेंट क्रोमिन करता क्या है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है जिससे एस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होती थिकनिंग नहीं होती इम्प्लांटेशन नहीं होगा ये टोटल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं ठीक है तो ये आरसीएच प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट थे ठीक है ये कंप्लीट आरसीएच होता है आपका ठीक है चलो भाई समझ में आ गया आरसीएच ने क्या क्या काम किया ठीक है एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया इस चैप्टर का तो एक बार दिल से आग लगा दो ठीक है वही एनर्जी का सोर्स है यार ठीक है दिल से आग लगा दो एक पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है एक पार्ट जो बहुत ज्यादा थ्योरिटिकल था फिर से मैं बता रहा हूं दो मिनट में रिविजन करा देता हूं ठीक है सबसे पहले हमने बात किसकी की? हमने बात की व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हमने बोला कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हो सफिश नहीं है आप इमोशनली आप समझ रहे हो से और भी हेल्दी होने चाहिए भाई तभी आप सही मायने में समझ रहे हो असली मायने में आप हेल्दी हो ठीक है असली मायने में आप हेल्दी हो आप फिजिकली हेल्दी हो पर गंदी सोच रखते हो ठीक है डोमिनेंसी रखते हो ठीक है सोशल या मतलब सोशल मतलब बाहर गंदा लोगों प्रति आपका तो आप नहीं हो हेल्दी नहीं हो तभी फिर हमने बात की भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी बढ़ती जनसंख्या समझना मेरी बात तो इसके लिए इंडिया पहला कंट्री था पूरी दुनिया के अंदर जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बड़े लेवल पर गोल बना के काम किया ठीक है और उसने लॉन्च किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया 1951 में लॉन्च किया ठीक है पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया इसको बाद में मॉडिफाई भी किया था हमने मॉडिफाइड किस फॉर्म में किया मॉडिफाई किया हमने उसको आप बोलोगे आरसीएच रिप्रोडक्टिव ठीक है साथ साथ में चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ठीक है भाई ठीक है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे आरसीएच के भाई सबसे पहला ऑब्जेक्टिटिव था ऑब्जेक्टिव था, था, था अवेयरनेस अवेयरनेस कैसे ऑडियो ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया एनसीआरटी की लाइन ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया एनसीआरटी की एक एक लाइन ली है ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया सपोर्ट किस किस होना का होना चाहिए पार्टिसिपेशन फ्रेंड्स का टीचर्स का ठीक है फ्रेंड्स uh, हो गया टीचर्स हो गया और क्लोजली रिलेटिव पर ये तीनों ही बहुत अच्छे नहीं होते यार ठीक है प्रैक्टिकली बता रहा हूं ठीक है सबसे मेन होते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स को इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए क्योंकि आपका बच्चा किसी और जा समझ रहे बाहर से कोई चीज गलत तरीके से उसको लेकर के आए उससे पहले सही तरीके से उसके ब्रेन में चीज को सेट कर देना चाहिए जिससे वो डायवर्ट ना हो ठीक है चलो ठीक है इनका स्कूल का भी एनकरेजमेंट होना चाहिए नो डाउट ठीक है पर समस्या है बहुत सारी ठीक है अब क्या किसकी अवेयरनेस मैंने बताया एडोलसेंस जो ये उम्र है और उसमें होने वाले चेंजेस किसके अंदर आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बातें चल रही हैं सेफ एंड सेक्सुअल प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो एस और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों बीमारियां जो कि मौत का दरवाजा दिखाती हैं उसकी अवेयरनेस ठीक है समझ में आ गया यार अवेयरनेस अवेयरनेससीएस का क्या ऑब्जेक्टिव था अच्छा आरसीएस की स्ट्रेटजी क्या थी कैसे करेगी आरसीएस तो आरसीएस ने गोल बनाया दो लोगों को चूज किया एक तो मैरिजेबल एज ग्रुप और फर्टाइल कपल ठीक है चूज कर लिया अब क्या करना है इनको अवेयरनेस देनी क्या भाई कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मार्केट में है भाई इनको यूज करना ठीक है फिर भी अगर बेबी कंसीव हो जाता है तो मदर की केयर बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर की केयर करोगे तो आगे बेबी बर्थ भी करेगा जब बेबी का बर्थ होगा तो पोस्ट नेटल केयर मदर की और फीटस बेबी की चाइल्ड की दोनों की पोस्ट नेटल केयर ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है ठीक है इसकी अवेयरनेस आप समझ रहे हैं ना मेरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेल मेल बेबी हो या फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो पॉपुलेशन बढ़ने से जो एक्सप्लोजन होगा उसकी अवेयरनेस क्लियर है बिल्कुल तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जिसके बारे में पता होना चाहिए जो आरसीएस ने यूज किए अब आरसीएस ने क्या किया भाई इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करना सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लेकर के आने साथ में और क्या करना है मटेरियल सप्लाई सपोर्ट देनी है तभी काम करेगा क्या इतने से काम बन जाएगा नो टाइम टू टाइम बेटर टेक्निक भी लेके आनी है तो नो डाउट आर सी एच लेकर के आया क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए समझ रहे हो जो फोर्टीन से एटीन वीक के बीच में इसको किया जाए तो मदर के लिए सेफ है ठीक है

कई रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो जो प्रोग्राम जिनको फंडिंग करता है जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को ढूंढते हैं जैसे सहेली सहेली ड्रग जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी क्योंकि उस समय मालाडी मालाइन चल रहे थे जो स्टेरोडल थे ठीक है जिसके साइड इफेक्ट भर भर के थे तो

तीन से चार बार रिवीजन करा दिया पूरा एनसीआरटी की टिपिकल लाइन आपके ब्रेन में सेट होंगी हाँ या ना <laughs> यस सर कहीं ये इंफॉर्मेशन पढ़ा था अरे गदो तुम्हारी एनसीआरटी में लिखा है एनसीआरटी की लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन बोल रहा हूं मैं ठीक है तो मैं जरा भी इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं तो एनसीईआरटी खोल के बैठो आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इतने बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं मैं कि समझ रहे हो पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी समझ में आई <laughs> बहुत टेंशन आ रहा है भाई जिसको टेंशन आ रहा है वो घर में जाके सो जाए आराम से रिलैक्स करे ठीक है समझ रहे हो नेचर उसी को मौका देगी आगे बढ़ने का जो वाकई में टेंशनों से घबराता नहीं है समझ रहे हो वो एग्जाम से घबराता नहीं है नेचर उसी को मौका देती है आगे बढ़ने का जो एग्जाम से ही घबराता है तो उसको तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना भाई उसको उस बनाई नहीं है इस चीज के लिए तो डर डर नहीं होना चाहिए नॉर्मल कहते हैं डर के आगे जीत है जीत का मतलब डर नहीं होना चाहिए आपको ठीक है आप समझ रहे हो बिंदास होकर के एग्जाम दो क्योंकि ये तो लाइफ का एक पार्ट है यार ठीक है आप समझ लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है ना जाने आपको अपनी लाइफ में कितने सारे एग्जाम देने हैं समझ रहे हो और एक डायरेक्शन नहीं और एक एक दरवाजा बंद होता है तो दस दरवाजे और खुल जाते हैं हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने हो ठीक है डिपेंड आप बस कोशिश करते रहो, चलते रहो, कोशिश करते करते रहो 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 चलते चलते ठीक है आपकी कोशिश होनी चाहिए आपकी कोशिश में ईमानदारी होनी चाहिए डेडिकेशन होना चाहिए ठीक है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डायवर्जन नहीं होना चाहिए डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए तो यार आपको कुछ ना कुछ तो बेटर मिलने वाला है आगे फ्यूचर में ये पक्की बात है ठीक है कुछ ना कुछ बेटर मिलने वाला है तो आप टेंशन लो यार बस चलते रहो ईमानदारी कुछ कुछ मतलब, से चलते है, है? आप आप सच्चे तरीके से चल रहे हो तो आपको आज नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ बेटर जरूर मिलेगा ठीक है तो ये जरूरी नहीं होता जैसे जैसे एक ज्योति कहते हैं कि सर आपके मैं सिविल में आई एस बनना लिखा था मतलब आपके उसमें अगर आप प्रयत्न करते तो वो चीज मिल जाती पर आपने नहीं किया तो आपके सेकंड ऑप्शन आपका टीचिंग था और नो डाउट मुझे नहीं पता था मैं टीचिंग में जाऊंगा क्योंकि रि, रिसर्च में मेरा मूड था रिसर्च में जाने का साइंटिस्ट बनने का जब उसने मुझे टीचिंग बोला तो मैंने कहा भाई यार टीचिंग में तो नहीं जाऊंगा ठीक है मतलब ही नहीं था तो उस समय की बात है ठीक है तो सीधी सी बात है तो समझो मेरी बात तो सीधी सी बात है कि अपना प्रयत्न करते रहो ठीक है जिस चीज के लिए आप बने हो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी जिस चीज के लिए आप नहीं बने हो पर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या होगा कुछ नहीं मिलेगा फिर कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है एक एस्ट्रोलॉजर है उनसे मतलब जो मैंने सीखा तो मैं मैं खुद कंफ्यूज हो रहता था कि एक्चुअल में होता क्या यार सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से ही है आप कहते हो रेखाएं लिखी हैं वो ही होगा तो कर्म का फल सिद्धांत क्या है तब वो कहते हैं उन्होंने मुझे समझाया कि एक्चुअल में एक्चुअल में कर्म फल सिद्धांत काम करता है एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है तो मैंने कैसे करती है भाई ठीक है तो उन्होंने समझाया कि एक्चुअल में आप जैसे अब हर कोई विश्वास नहीं मानेगा इन चीजों के ऊपर ठीक है आप जो कर्म करते हो ठीक है वो डिसाइड करते हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन को उनका उनका मानना था ठीक है कुछ बातें मेरे समझ में भी आती हैं कुछ नहीं भी समझ में आती हैं ठीक है मैं ये नहीं कहता कि कि आप समझो पर एक बात है कि कर्म, दो बात है कर्म दो इसको भी बच्चे मैसेज इसलिए बता भी रहा हूं मैं ठीक है कर्म फल सिद्धांत और एस्ट्रोलॉजी दोनों चीजें कॉम्बिनेटेड है आप जो इस जन्म में आप वर्क कर रहे हो वो डिसाइड करेगा आपके नेक्स्ट जन्म को कि हाँ यार किस तरीके से भाई क्या होता है जन्म मुझे नहीं पता ठीक है मुझे नहीं पता पर जो उन्होंने बोला मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से इस जन्म में मिल रहा है तो फिर मेरा अगला जन्म कैसे डिसाइड होगा समझ रहे ना इसका मतलब लास्ट जन्म किए होंगे उसके हिसाब से मुझे इस जन्म में मिल रहा है तो इस जन्म में जो काम कर रहा हूं वो लास्ट जन्म के हिसाब से कर रहा हूं ठीक है और इस जो डिसाइड करेगा आगे वाले को तो वो तो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है ना फिर क्या मतलब है मेरा सिद्धांत आया तब उन्होंने कहा कि एक्चुअल में अगर आप न्यूट्रल रहते हो तो ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं ठीक है और आपका जन्म एक पर्टिकुलर टाइम में होता है आपकी बॉडी पंच तत्वों से मिलकर के बनती है प्लेनेट भी उन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं जिनसे बॉडी बनती है हर एक प्लेनेट की एक अपनी एनर्जी होती है उस एनर्जी का इफेक्ट आपकी बॉडी आपके नेचर आपके सब चीजों पर पड़ता है हर चीजों के ऊपर ठीक है बॉडी पर चीज का फर्क पड़ता है, तो है, तो जो जो है। इसलिए मैं कहता हूं कर्म फल सिद्धांत बहुत तगड़ा होता है ठीक है वो डिसाइड करता है नेक्स्ट जनरेशन को सही मायने में आप समझ रहे हो तो आपका कर्म फल सिद्धांत तगड़ा होना चाहिए कर्म फल सिद्धांत कई बच्चों को समझ में नहीं आता मतलब आपका डेडिकेशन से अपने टारगेट और अपने जो भी आपका लक्ष्य है उस पर प्रयत्न करो बस मैं यही कहूंगा ठीक कोशिश करो ठीक है अगर डेस्टिनी में होगा और आपका कर्मफल सिद्धांत तगड़ा होगा तो डेस्टिनी में नहीं होगा तब भी वो चीज मिल जाएगी इसलिए मैं कह रहा हूं अपना पॉजिटिव रहो और अपना हंड्रेड परसेंट दो जब आप अपना हंड्रेड परसेंट दोगे तो मैं सच कह रहा हूं कहीं ना कहीं उसका आउटपुट आएगा ही आएगा किसी दूसरी फॉर्म में आएगा पर आएगा

इंसान की किसकी पॉपुलेशन स्पीसीज इसके अंदर इंक्लूड होगी यार आप किस स्पीज की बात कर रहे हो तो पहला फैक्टर आएगा स्पीसीज ठीक है किस एरिया की population? समझ रहे हो दिल्ली की पॉपुलेशन कोटा की पॉपुलेशन पटना की पॉपुलेशन समझ रहे हो ना मेरी बात जम्मू की पॉपुलेशन कन्याकुमारी की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन जगह एरिया किस जगह की पॉपुलेशन अगला आएगा एरिया भाई किस समय की पॉपुलेशन लास्ट थ्री ईयर की करंट ईयर की लास्ट टेन ईयर की कब समय 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 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एंड पर्टिकुलर टाइम ये तीन फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं एक्चुअल में पॉपुलेशन तीन फैक्टर पर डिपेंड पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर टाइम तब जाकर के आप पॉपुलेशन निकाल पाते हो चलो ठीक है पॉपुलेशन डे कॉमन सी है जीके का क्वेश्चन है ग्यारह जुलाई पता होना चाहिए ठीक है चलो ठीक है अब ये आपको पता है ना लेटेस्ट अभी एक जनगणना बोलते हैं ठीक है बोलते हैं जनगणना को जनगणना काउंटिंग की जाती है ठीक है थीके? इसको सेंसिस बोलते हैं सेंसिस बोलते हैं ऑफिशियली ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलते हैं सेंसेज एवरी टेन ईयर के अंदर रिपीट करते हैं इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सेंसिस हुई थी वन में हुई थी और अभी एनसीआरटी के अकॉर्डिंग एनसीआरटी के अकॉर्डिंग 2011 पर अभी हो गई चुकी है 2022 के अंदर समझ लो ट्वेंटी ट्वेंटी में हो गई चुकी है जो अब नई आएगी उसमें अपडेट करेंगे पर अभी तो आप 2023 के लिए तैयार कर रहे हो तो अभी मैं उसको अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि ट्वेंटी में अभी यही क्वेश्चन आएंगे जो लेटेस्ट एनसीआरटी में दिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ड्रास्टिक चेंज होंगे एनसीआरटी के अंदर जो एनसीआरटी ने भी इंडिकेट कर दिए है एनटीए भी आगे जाके इंडिकेट करेगा थ्योरी में भी चेंजेस होने हैं डेटा भी अपडेट होगा ठीक है तो उस पर थोड़ा काम करना है सभी को और एनसीआर चेंज कर लेना जो बच्चे इलेवेंथ और टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ के बच्चे हैं ठीक है जिनका टारगेट ट्वेंटी है ठीक है उनको चेंज करनी है ठीक है अब अगर मैं सेंसेस की बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग डेटा है थोड़ा सा जैसे द पॉपुलेशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस इसमें क्वेश्चन आता है अगर मैं 1900 की बात करता हूं तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी टू बिलियन यानी 2000 मिलियन पॉपुलेशन थी दुनिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन दस साल बाद 2000 में पॉपुलेशन कितनी हो गई सिक्स बिलियन हो गई सिक्स बिलियन टू बिलियन से सिक्स बिलियन हो गई फिर 2011 में आकर के दुनिया की पॉपुलेशन क्या हो गई दो लेटेस्ट ठीक है जो अभी लेटेस्ट से लेटेस्ट सिक्स से लेकर सेवन पॉइंट टू बिलियन थोड़ी स्लो हुई है पर यहां दो से लेकर छह खतरनाक तरीके से बढ़ रही है ये दुनिया की बढ़ रही है साथ में इंडिया का कंपैरिजन किया है इंडिया के अंदर अगर मैं ठीक है अप्रोक्सीमेटली थ्री फाइव जीरो मिलियन बहुत ठीक है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के टाइम पर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी बहुत कम थी थ्री फाइव जीरो मिलियन थी पर अगर मैं दो हजार के डेटा से कंपेरिजन करूं ना इंडिया का दो हजार के डेटा से तो इंडिया पूरे दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी सिक्स बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी वन बिलियन समझ रहे हो पूरी दुनिया की सिक्स बिलियन तो इंडिया की अकेली वन बिलियन दो हजार के डेटा के खतरनाक तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी यानी कह सकते हो कि पूरी दुनिया में हर छठवा इंसान इंडियन है हर छठवा इंसान इंडियन है पूरी दुनिया के अंदर ठीक है फिर 2011 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.2 ही तो यह भी 1.2 हो गई आप समझ रहे हो कब रुकी नहीं रही है रुक नहीं रही है लेटेस्ट जो डेटा आएगा उसमें इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को टक्कर दे रही है मानो थोड़ा ज्यादा ही समझो जो डेटा दे रखा है तो बहुत तगड़ा टक्कर होने वाली है ठीक है समझ रहे हो मेरी बात इसके हिसाब से क्वेश्चन गया है रेशियो बर्ड एन इंडिया सिक्स टू वन का रेशियो है अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन आगे कि किस सेंसिस के अनुसार है आप बोलोगे टू थाउजेंड वन या टू थाउजेंड क्योंकि एक से दो साल लगते हैं इसके अंदर टू थाउजेंड या टू थाउजेंड वन सेंसिस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में हर छठवां इंसान इंडियन है ये किस सेंसिस के अकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग टू 2001 या 2000 सेंसिस के अकॉर्डिंग ठीक है एवरी सिक्स पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन ये समझ में आई बात या नहीं आई है जनरल डेटा या है याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है चलो भाई समझ में आगे ये वाली बात आगे बढ़ते हैं अब लेटेस्ट जो पॉपुलेशन है जो अभी ट्वेंटी में अभी इन्होंने की है वो ये निकल के आ रही है थ्री एट सेवन मतलब वन पॉइंट थ्री एट बिलियन यार बहुत हो गई अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन समझ रहे हो वन पॉइंट थ्री एट लगभग वन पॉइंट फोर के आसपास मान के चल सकते हो लगभग लगभग ठीक है समझ रहे हो तेजी से बढ़ रही है बहुत तेजी से बहुत तेजी से वन पॉइंट थ्री मान लो वन पॉइंट थ्री एट बिलियन ठीक है तो अब ये दो पॉइंट है जिसपे एनसीआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू 2001 थाउजेंड वन या टू सेंसिस जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी थी 1.7 परसेंट के आसपास पर 2011 के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है आप बोलोगे 2 परसेंट के आसपास लेस देन 2 लिखा हुआ है पर 2 के आसपास ही मानो 2 परसेंट के आसपास ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं ये टू ग्रोथ 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 रेट 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 कैसे निकाली बड़ी है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है इंक्रीज हुई है पहले से कैसे निकाली भाई एक हजार लोगों में एक साल में कितने नए लोग एड हुए ये ग्रोथ रेट है एक हजार लोगों में पर ईयर कितने नए लोग एड हुए ये ग्रोथ रेट है समझ रहे हो ये सरकारी डेटा है एक्चुअल में डेटा तो उससे भी खतरनाक है वन पॉइंट फोर ही डेटा मानो एक्चुअल डेटा ठीक है गवर्नमेंट का डेटा है क्लियर है बिल्कुल तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2001 या 2000 थाउजेंड सेंसिस ग्रोथ रेट कितनी थी 1.7 और अकॉर्डिंग टू 2011 ग्रोथ रेट क्या है आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली टू टू के, के आसपास यानी पहले से ग्रोथ रेट बढ़ी है ओके चलो अब ये तो जनरल डेटा था ठीक है जो आपको याद रखना है पॉपुलेशन से रिलेटेड ठीक है वर्ल्ड की और इंडिया की पॉपुलेशन का कंपैरिजन ठीक है लास्ट तीन सेंसेस का ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अब बेसिक क्वेश्चन यहां से बनेंगे एक ये एक slide, एक ये स्लाइड क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ब्रेक किया है स्लाइड को समझना जैसे क्वेश्चन आएगा क्या है? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन है आप बोलोगे जैसे 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 कह सकते हो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं तो हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे लोगों की डेथ की जो रेश रेट है वो कम होती जा रही है कह सकते हो रैपिड डिक्लाइन इन किस-किस में डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट कम हो गई है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पहले बहुत हुआ करता था समझ रहे हो अब वो कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज्यादा था अब ये कम हो गया इस वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है ये कम होता जा रहा है इनकी कम होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है समझ रहे हो भाई चाइना के अंदर पॉपुलेशन क्यों बढ़ी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई कि वो बूढ़े को भी मरने ही नहीं दे रहे समय आ गया जाने का पर जाने नहीं दे रहे उसको टेक्नोलॉजी से रोक लिया इसलिए तो वहां पर ओल्ड एज पर्सन की संख्या बहुत ज्यादा थी आप समझ रहे हो मेरी बात यंगर्स की संख्या कम थी हमारे अंदर यंग हमारे इंडिया के अंदर यंगर्स की संख्या ज्यादा थी ठीक है पर आज की डेट में कंडीशन हमारे यहां भी चेंज होती जा रही है डेथ रेट कहीं ना कहीं कम हो रही है भाई कोरोना ने जो काम किया वो भूल जाओ ठीक है उसके अलावा बात कर रहा हूं मेटर्नल मोटेलिटी रेट कम हुई है टेक्नोलॉजी बढ़ी है इन्फेंट मोटेलिटी रेट पहले ज्यादा थी वो कम हुई है ठीक है टेक्नोलॉजी बढ़ी है इसके अलावा और क्या है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज ठीक है सुना होगा आपने न्यूज में कि इंडिया के अंदर यंगर्स की संख्या ज्यादा है इस वजह से वो भी कौन से यंगर्स रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं जो कि पॉपुलेशन को बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम करते हैं उनमें भी अगर फीमेल का नंबर ज्यादा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो पॉपुलेशन है एक पॉपुलेशन के अंदर यंगर्स की संख्या ज्यादा है एक में अर्ली बिफोर रिप्रोडक्टिव एज और आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज के लोगों की संख्या ज्यादा है तो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा होगी जिसमें यंगर्स की या कह सकते हो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों की संख्या ज्यादा है फिर क्वेश्चन आएगा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी अगर एक में फीमेल ज्यादा है और एक में मेल ज्यादा है तो बताओ किसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी जिसमें फीमेल ज्यादा है क्योंकि बेबी को कंसीब फीमेल करती है मेल नहीं करता क्लियर है तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग अगर ज्यादा हैं किसी पॉपुलेशन में ठीक है अगर इनका नंबर बढ़ा हुआ है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी उसमें भी अगर फीमेल ज्यादा है तो और ज्यादा ठीक है ये कारण थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करती है बर्थ रेट पर करती है यस डेथ रेट पर करती है यस yes. माइग्रेशन पर करती है यस yes. बिल्कुल करेगी माइग्रेशन पर कोई पॉपुलेशन है कोई इसके अंदर एंटर कर रहा है इमीग्रेशन कर रहा है समझ रहे हो तो नो डाउट पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर इमीग्रेशन कर रहा है नो डाउट पॉपुलेशन यहां घटेगी सॉरी बढ़ेगी तो यहाँ पॉपुलेशन घटेगी यानी माइग्रेशन का भी पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है समझ रहे हो एज एंड सेक्स रेशियो जो तो मैंने बताया अंदर क्या आएगा रिप्रोडक्टिव एज और सेक्स रेशियो में फीमेल ये ये और ये दो ये दो ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं यस yes या नो क्लियर है ना बिल्कुल चलो अगला ये क्वेश्चन सीधा एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा एक मिलेगा एक क्वेश्चन उससे वाली स्लाइड से अगला क्वेश्चन आएगा बर्थ रेट डेथ रेट और माइग्रेशन तो मैं समझा ही दिया इसकी जरूरत नहीं है बर्थ रेट का मतलब होता है कि 1000 में कितने लोग नए पैदा हुए पर्टिकुलर टाइम के अंदर डेथ रेट में एक साल में कितने लोग निकल लिए ठीक है माइग्रेशन इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मैं समझा ही चुका हूं आपको ठीक है तो ये स्लाइड में ही मैंने एड कर दिया इसकी स्लाइड की जरूरत नहीं है सेक्स रेशियो भी मैंने बता दिया इसकी भी जरूरत नहीं है अब आती है द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने एक स्लोगन बस स्लोगन याद रखना है स्लोगन पे क्वेश्चन आता है हम दो हमारे दो ऐसी पिक्चर आपने देखी होगी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट स्कूल डिफरेंट टाइप की टिकट्स गवर्नमेंट जो चीजें होती हैं ठीक है ठीक है कई बस जो होती हैं उन पर भी ऐसी तो गवर्नमेंट कहती है यार हम दो हमारे दो रिप्लेसमेंट लेवल जीरो होना चाहिए हम दो फिर हमारे दो हम जब निकल लेंगे तो हमारे दो उस जगह ले लेंगे समझ लो फिर हम दो हमारे दो वो निकल लेंगे तो उनकी जगह उन दो बच्चे ले लेंगे इससे रिप्लेसमेंट लेवल क्या रहेगा जीरो तो नेचर मेंटेन रहेगी क्योंकि नेचर अगर मेंटेन नहीं रही तो क्या होगा समय समय पर फिर ले आएगी नेचर अपना रौद्र रूप दिखाएगी कैटास्ट्रोफिज्म ठीक है तो उस कैटास्ट्रोफिज्म से बचने के लिए अच्छा है इंसान रिप्लेसमेंट लेवल जीरो मेंटेन करके चले इसलिए कहा जाता है कि हम दो हमारे दो को फॉलो करो और नेचर को खुश रखो जिससे कि इंसान या जो भी स्पीसीज है वो खुश रह पाए ठीक है समझ में आया नहीं आया तो एक स्लोगन ध्यान रखना है बस और कुछ भी नहीं है ये एनसीआरटी का दूसरा पार्ट हमारा खत्म होता है यहां तक फिनिश तो दो पार्ट खत्म हो गए पहला पार्ट था पूरा का पूरा मैंने डेटाबेस कराया था दूसरे पार्ट के अंदर मैंने टोटली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड सारी बातें बता दी अब तीसरा पार्ट जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पर है ठीक है या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर है समझ में आया नहीं आया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बाद जो चौथा पार्ट आएगा वो आएगा इसके अंदर एस टी डी सेक्चुअली ट्रांसमिटिड डिसीज और पांचवा पार्ट इसके अंदर आएगा ठीक है इनफर्टिलिटी बस फिनिश चैप्टर में ये पांच चीजें हैं पहला डेटाबेस मैंने करा दिया सेकंड डेटाबेस भी मैंने करा दिया एक्सप्लोजन वाला थर्ड जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के ऊपर है फोर्थ एस टी डी के ऊपर है और फिफ्थ इनफर्टिलिटी के ऊपर है चैप्टर फिनिश समझे चलो आगे बढ़ते हैं यहां तक समझाओ यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया या नो जी सर हम दो हमारे दो यस ओके कंप्लीट जोलॉजी कब होगा यस कंप्लीट जुलॉजी हम मेरा मैं, भाई मैंने बताया ना अभी पहले अनाउंस किया सोचो इतना मैंने अनाउंस किया तब भी तुम फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो ठीक है तो समझ जाओ समझ जाओ कि तुम कहाँ हो कहाँ ध्यान रखते हो ठीक है जो लोग अपने गोल पर फोकस रखते हैं चाहे आजू बाजू कुछ भी हो रहा हो आपका फोकस टोटली totally आपके गोल पर है आपको समझो मतलब नो डिस्ट्रिक्शन ओनली गोल आपको पर डे अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप गोल को कैसे अचीव कर लोगे यार मतलब ही नहीं है बच्चे नहीं सर मोटिवेट करो मोटिवेट करो अबे मोटिवेट तो उनको समझ रहे हो एक्चुअल मैं मैं सच्चा ही बताऊं ना जो बच्चे जो रैंकर्स हैं जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं ना उनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं उनका मोटिवेशन

जो मतलब मेरे कितना भी मूड ऑफ हो ना उसको भी मेरे एक्टिवेट कर देती थी ठीक है आप भी नेल्सन कॉक्स ऐसी किताब है चार लाइनें समझाती है फिर चार उसके बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती है जो एनवायरमेंट में हो रहे हैं जो आपके आस हो रहे हैं कैसे समझ में नहीं आएगा फिर चार लाइने बताएगी फिर उसके एग्जाम्पल देगी आप समझ रहे हो तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी जो ऑनलाइन में पहली बार लेकर के आया था वो सच में मैं इंस्पायर था नेल्सन से ये स्ट्रैटेजी वहां से उठाई थी मैंने जिसने इंडिया में बूम किया जिस थीजी को आज की डेट में डिट्टो कॉपी कर रहे हैं हमारे इंडिया के टीचर यानी कही कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है टीचर भी इस चीज को कह रहे हैं सर बहुत मजा आता है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तो ये यही एक तो रिवोल्यूशन है ठीक है समझ रहे हो तो वही चीज है कि अगर ये चीजें बच्चों में भी चेंज हो रहे हैं और टीचर्स में भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है चीजें हैं और हम भाई कहां से मेरे अंदर नेल्सन साहब की देन थी ऐसे ही टीचर्स ने कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट टीचर्स हैं ठीक है वो कहीं ना कहीं बुक से इन्फ्लुएंस हुए हैं और उन बुक की चीजों को उन्होंने अप्लाई किया तभी वो चीजों के अंदर ज्यादा महारत हासिल कर पाए ठीक है तो चीजें यार कुछ चीजें होती हैं तभी तो अच्छी किताबें पढ़ने से समझ रहे हो चीजें बढ़ती हैं

इट ऑल्सो शुड नो वे इंटरफेयर विद सेक्चुअल ड्राइव सेक्चुअल ड्राइव या डिजायर में इंटरफेयर ना करे अगर इसको यूज करने से सेक्चुअल ड्राइव या डिजायर में इंटरफियर हो रहा है वो डाउन जा रही है तो वो आइडियल कॉन्ट्रोसेप्टिव नहीं है अगली बार वो यूज ही नहीं करेगा ठीक है तो समझ में आया तो इन चारों पॉइंट्स पर क्वेश्चन आता है फीचर्स पहला यूजर फ्रेंडली हो इजीली अवेलेबल हो इफेक्टिव हो ठीक है रिवर्सल हो तो बहुत अच्छी बात है साइड इफेक्ट ना के बराबर हो और सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे डाउन ना करे उसको तभी वो सही मायने में आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा एक क्वेश्चन सीधा समझ में आ गया अब बात करते हैं इस जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने दो पार्ट में एक टेम्परेरी एक परमानेंट परमानेंट का मतलब है गवर्नमेंट कहती है अगर हम तो हमारे दो पूरा हो गया ना तो आप परमानेंट वाला मेथड यूज कर लो और इंजॉय करो लाइफ के अंदर ठीक है ठीक है भाई ये परमानेंट मेथड है उनको स्टर्बलिटी मेथड भी बोलते हैं क्योंकि उनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है बहुत कम है ठीक है इसलिए उसको स्टर्बलिटी मेथड बोलते हैं ठीक है तो परमानेंट मेथड में आगे बताऊंगा पहले टेम्परेरी मेथड की बात करता हूं टेम्परेरी जिनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक है आप यूज करोगे यूज करोगे तब ठीक है यूज नहीं करोगे तो अगेन ठीक है फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो में कुछ बैरियर मैथड बताऊंगा मैं कुछ यहाँ पर केमिकल मैथड बताऊंगा मैं कुछ यहाँ पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में बताऊंगा कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गोलियों के बारे में बताऊंगा कुछ इंजेक्टेबल डिवाइस के बारे में बताऊंगा इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं और कुछ इम्प्लांट के बारे में बताऊंगा इम्प्लांट जिनको शरीर के अंदर कट करके इम्प्लांट कर दिया जाता है इम्प्लांट के बारे में और लास्ट में बताऊंगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ठीक है समझ रहे हो मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं इनको ठीक है तो मतलब इमरजेंसी जो इमरजेंसी में कह सकते हो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स या किसी अबॉर्शन या सॉरी कोई रेप का केस हो जाए तब उनको यूज किया जाता है ठीक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो टोटल समझ में आ गया हम पहले टेम्परेरी पढ़ने वाले हैं टेम्परेरी में नेचुरल पढ़ेंगे टेम्परेरी के अंदर हम बैरियर मेथड पढ़ेंगे टेम्परेरी के अंदर हम केमिकल मेथड पढ़ेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पढ़ेंगे टेम्प्रेरी के अंदर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे फेस के बारे में और इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके अलावा ओरल के अलावा ठीक है इंजेक्टेबल इम्प्लांट और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये हमारा टारगेट है ठीक है और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे मेडिकल टर्मिनेशन है हमारा इस वाले, इस वाले सेट का स्टार्ट हैं चलो पहला है टेम्परेरी मेथड में नंबर वन नेचुरल

समझ रहे हो तो मेरी बात और कही कहीं ना कहीं कह सकते हो मेथड की तरह इसको यूज करते हैं ठीक है? है।, है तो नेचुरल मैक्सिमम फेल्योर रेट ठीक है ये मेनली ओवम और स्पम के मिलने को रोकते हैं ठीक है फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन सारे के सारे सारे के सारे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ये क्वेश्चन आएगा ठीक है ठीक है अब देखो रिदिम मेथड का मतलब रूटीन में जो यूज करने वाला मेथड है देख लो लैक्टेशन इसको रिदिम मेथड पीरियडिक अबस्टिनेंस समझा देता हूं उसको मैं जैसे मान लो मान लो अगर मैं फोर्टीन डे की बात कर रहा हूं चौदवा दिन फोर्टीन डे चौदवा दिन क्या होता है ओवल्यूशन ओवल्यूशन फोर्टीनथ डे अगर ओवोल्यूशन हो रहा है समझो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फोर्टीनथ फोर्टीनथ डे फोर्टीन से पहले जाओ थर्टीन आएगा से और पहले जाओ ट्वेल्व आएगा से और पहले जाओ इलेवन आएगा से और पहले जाओ फोर्टीन से आगे जाओ फिफ्टीन आएगा, आएगा।, आएगा। कोशिश करना फोर्टीन डे मैंने अभी बताया आपको क्या होता है ओवल्यूशन और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइकिल जो होती है ठीक है 28 प्लस माइनस टू डेज की होती है प्लस माइनस टू डेज यानी ओवल्यूशन प्लस माइनस टू डेज हो सकता है प्लस टू डेज हो सकता है या माइनस टू डेज हो सकता है ये अर्ली एंड डिले भी हो सकता है यानी अगर माइनस टू डेज बात करूंगा तो ओवोल्यूशन ट्वेल्थ डे भी हो सकता है ओवल्यूशन सिक्सटींथ डे भी हो सकता है ये वो पीरियड है जिसमें ओवल्यूशन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ओवोल्यूशन चौदह दिन होता है ना प्लस माइनस टू डेज अर्ली और डिले हो सकता है समझ रहे हो ना मेरी बात एक बात तो यह ध्यान रखनी है आपको दूसरा मैं अगर बात करूं लाइफ ऑफ स्पम आफ्टर एजेक्यूलेशन एंड ओवा After evolution, की की के के आसपास आसपास होती होती है। एप्रोक्सीमेटली, एप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है ये पता होना चाहिए आपको ठीक है अगर मैं आपसे कहूं स्पम मान लो स्प ये एंटर कर गया दसवें दिन दसवें दिन स्पम एंटर करता है स्पम दसवें दिन फीमेल ट्रैक में एंटर करते हैं स्पंप तो स्प की लाइफ कितने दिन हो सकती है दो से तीन दिन है यानी यहां स्पंप सर्वाइव करेगा ठीक है लाइफ दो से तीन दिन होगी यानी बारहवें दिन स्प लाइव होगा जिंदा होगा और ओवोल्यूशन अगर बारहवें दिन हो गया अगर ओवोल्यूशन बारहवें दिन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा समझ में आया नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्लियर है बिल्कुल ग्यारे दिन जाएगा तो वो तो भी जाएगा ठीक लो इससे बैग जाओगे तो मैक्सिमम 10 से 12 के बीच में अगर इस पंप एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है अगर मान लो मान लो ओवल्यूशन सोलवे दिन हो रहा है तो ओवा किस दिन तक सर्वाइव करेगा 17 डेज तक सर्वाइव करेगा ना लाइफ ऑफ ओवा लाइफ ऑफ ओवा तो ओवा की लाइफ एक दिन है अच्छा दो दिन लिख दिया मैंने ओके एक ही दिन होती है बस वन डेज इधर दो से तीन दिन जिंदा तो ज्यादा भी रह सकता है पर बढ़िया जो टू टू थ्री डेज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इसकी होगी ठीक है अगर ओवा सोलवे दिन निकल रहा है सोलवे दिन हो रहा है सत्रह दिन तक ओवन रहेगा यानी यहां अगर एंटर करेगा सत्रह दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है यानी अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं यहां से यहां तक अगर स्पम एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है भाई आपके सामने ओवोल्यूशन की बात कर रहा हूं चौथवे दिन स्टैंडर्ड वैल्यू है प्लस माइनस टू डेज करते हैं तो यहां से यहां तक पूरा ओवोल्यूशन हो सकता है अगर इस रेंज में ओवल्यूशन होगा स्पम दसवें दिन एंटर करता है तो यहां तक स्पम जिंदा रहेगा फर्टिलाइजेशन की प्रॉबेबिलिटी है अगर इस पंप सत्रहवें दिन एंटर करता है तो ओवा की लाइफ एक दिन होती है अगर ओवा सोलहवें दिन, दिन रिलीज हो रहा है मैक्सिमम तब भी फर्टराइशन की प्रॉबिलिटी है इस दिनों के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी रहती है इसके बाद और उससे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी न के बराबर या नहीं होती पर फेल्यूर रेट सबसे ज्यादा इसी के होते हैं सेफ पीरियड की अगर मैं बात करूं सेफ पीरियड सेफ पीरियड अब बिफोर टेन बिफोर टेन एंड आफ्टर सेवेंटींथ डे ठीक है दस से पहले और सत्रह के बाद तो सेफ पीरियड है पर दस और सत्रह के बीच के क्रिटिकल पीरियड होते हैं इसको पीरियडिक अब समझ रहे हो या रिदिम मेथड या कैलेंडर मेथड ठीक है कई नामों से जानते हैं तो समझ में आ गया होगा ये वाला मेथड ठीक है वापस आ रहा हूं तो क्लियर है विड्रो, विड्रो, कह सकते हो कि पेनिस को बाहर कर लेना से पहले पर फिलियोरेट सबसे ज्यादा होते हैं सबसे ज्यादा ठीक है तो ये भी एक लैक्टेशनल एमेनोरिया कई बार बता चुका हूं आपको डाली है नहीं डाली मैंने हाँ लैक्टेशनल एमेनोरिया लैक्टेशन का मतलब वाला पीरियड एमेनोरिया एमेनोरिया का मतलब एबसेंस ऑफ मेंसुरल ऐसेंस ऑफ मैं जैसे जैसे मान लो ये हाइपोथेमस है ये पिट्यूटरी है समझना पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है कौन सा प्रोलैक्टिन प्रोलेक्टिन प्रोलैक्टिन और ये किसके लिए रिस्पॉन्स होता है लेकिन कब तक सिक्स मंथ ठीक है तो पेटीयूट्री के एंट्री रूप से एक हॉर्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन जो लैक्टेशन कराता है सिक्स मंथ तक मिल्क का फॉर्मेशन कराने के लिए स्पॉन्सर लैक्टेशन तो लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं ठीक है पर जब तक प्रोलैक्टिन निकलता है ना तब तक यह क्या काम करता है इनिबिट्री हार्मोन है यह इनहिबिट करता है इनहिबिट करता है इनहेबिट करता है इनहेबिट जी एन आर एच हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है तो जीएनआरएच क्या काम करता है समझो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है जीएनआरएच अब तो रट गया होगा आपको जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करता है क्या निकालने के लिए एलएच और एफएसएच एलएच एच एन एफ एस एच यानी जब तक जीएनआरएच निकलेगा तब तक एलएच और एफएसएच निकलते रहेंगे इसकी वजह से क्या होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी यानी अगर ये हार्मोन निकलेगा प्रोलैक्टिन तो उसको इनिबिट करेगा और इसको इनिबिट करेगा तो जीएनआर एच नहीं निकलेगा एल एच और एफ एस एच नहीं साइकिल नहीं चलेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया लैक्टेशनल लैक्टेशन की वजह से एब्सेंस ऑफ मैं ठीक है और जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तब तक तो बेबी कंसीव होने का कोई मतलब ही नहीं होता तो ये नेचुरल मेथड हो गए तीन कंसेप्ट एकदम सेट हुआ होगा हा या ना फटाफट बताओ यस या नो जो इवोल्यूशन इवोल्यूशन रट लगा रहे हैं ना मुझे तो नहीं लगता यार वो सिलेक्शन की दौड़ में समझदार बच्चा एक बार में समझता है और ना समझ बच्चा दस बार भी बोलो तब भी नहीं समझता मैं तो यही चाहूंगा एकदम समझो हर चीज को अभी जो 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 प्रेजेंट प्रेजेंट में जीता है है को परफेक्ट करता है। ये बात कभी मत भूलना ये ध्यान रखना हमेशा लाइफ में काम आएगी आपकी जो बच्चा या जो भी इंसान प्रेजेंट को बेहतर करता है प्रेजेंट पर काम करता है प्रेजेंट में अवेयर रहता है उसका पास्ट भी सबसे बेहतरीन होता है उसका फ्यूचर भी सबसे बेहतरीन होता है क्यों क्योंकि आज प्रेजेंट अगर आपका बेटर है तो अगले दिन ये प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होगा मतलब पास्ट भी आपका बेटर हो जाएगा अगर आपका प्रेजेंट आज बेटर है तो यही प्रेजेंट फ्यूचर डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा इसलिए प्रेजेंट को बेटर करना सीखो प्रेजेंट को अवियर प्रेजेंट में अवियर रहना सीखो और प्रेजेंट को मतलब जीना सीखो प्रेजेंट के अंदर ठीक है ध्यान रखना ये वाली बात यस जी आर एच यस सर ठीक है बहुत बढ़िया ये वाला पार्ट क्लियर है आप यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको अब बेस बेसिक मेथड है बैरियर मेथड जो बहुत सिंपल से मेथड है भाई बैरियर का मतलब है कहीं ना कहीं आप मेटिंग रोक रहे हो मेटिंग मिलना किसका मिलना रोक रहे हो आप स्पम उपम के मिलने को बैरियर लगा दिया अब बैरियर के लिए आप कॉन्डोम यूज कर रहे हो फेम शील्ड यूज कर रहे हो फेमीडोम सर्विकल कैप यूज कर लो डायफ्राम यूज कर लो वॉल्ट यूज कर लो ठीक है ये सब रबड़ के बनी हुई चीजें बस क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं ये आयु हुआ क्वेश्चन है ये आयु हुआ क्वेश्चन है अगर मैं कॉन्डोम और फेमी femi, फेमीडोम की बात करता हूं फीमेल कॉन्डोम की बात करता हूं तो ये प्रिवेंट करते हैं प्रिवेंट फ्रॉम एस टी डी एंड एक्वाइर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम ये दो डिसीज ऐसी हैं जिनसे रोकने के लिए समझ रहे हो ना मेरी बात ये दो डिसीज ऐसी हैं जिनसे रोकने के लिए ध्यान रखना है आपको एसटीडी और एड्स दो डिसीज ऐसी हैं जिनसे रोकने के लिए सिर्फ दो ही मेथड हैं ओनली दो ही मेथड हैं क्लियर बिल्कुल कॉन्डोम और फेमशील्ड नहीं तो जितने भी कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड है कोई भी नहीं बचा सकता एड्स से ठीक है सिर्फ ये दो ही मेथड तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल का ही क्वेश्चन है? है, है तो एक गवर्नमेंट का ब्रांड है निरोध रबर का स्ट्रक्चर होता है जो मेटिंग को रोकता है मेटिंग को मेल और फीमेल गैमीट के मिलने को रोकता है ठीक है एक मेल कुंडम का डायग्राम दे रखा है फीमेल का डायग्राम दे रखा है ठीक है फीमेल में दो रिंग होते हैं ठीक है एक सर्विकल के पास टिल्ट करके लगा दी जाती है और एक बाहर होती है क्लियर है बिल्कुल डायफ्राम और सर्विकल क्या ये होते हैं सर्विक्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं और जो स्प को एंटर करने से रोकते हैं ठीक है ये रिवर्सिबल मेथड है ये रिवर्सिबल मेथड है पर ये दोनों के दोनों इसिबल मैथड है ठीक है बोथ आर इिवर्सिबल बोथ आर इिवर्सिबल इिवर्सिबल डी यूज रिवर्सिबल ये दोनों ही रिवर्सिबिल हैं ठीक है पर ये सारे के सारे रिवर्सिबल है रिवर्सिबल है कौन कौन है कौन है कौन है एसटीडी और एड्स से बचाता ठीक है? ये सब रबर्स है सर्विकस्यूब लगा करके स्पम्प और ओवा की मेटिंग को रोकते हैं केमिकल मेथड एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है तो मैंने समझा दिया है कुछ केमिकल यूज करते हैं जो स्पर्मी साइडल स्पम्प को मारने का काम करते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में रख दिया फोम की फॉर्म में क्रीम की फॉर्म में जेल की फॉर्म में इनको यूज करते हैं सबके सब, सब टॉक्सिक होते हैं और स्पम को मारने का काम करते हैं सबके सब स्पर्मी सब सेटल एजेंट्स से हैं सभी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे मान लो बोरिक एसिड जिंग सल्फेड ठीक है सिट्रिक एसिड ठीक है क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर स्पम सर्वाइव नहीं कर सकते अब यह है वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई इससे क्वेश्चन आता है ये पांच एनसीईआरटी की लाइन है चार एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं इन पर सीधा क्वेश्चन आएगा पहला पॉइंट पॉइंट है दीज डिवाइस दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय सेल्फ इंसर्शनल नहीं कर सकते बाय डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्स बिना इनकी मदद से इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट नहीं किया जा सकता इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंक्रीज इंक्रीज किसको इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म स्पम की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाने का काम करते हैं क्योंकि इंट्रा यूट्राइट डिवाइस की वजह से स्पम की मोर्टेलिटी स्लो हो जाती है स्पम दौड़ नहीं पाते तो फेगोसाइटिक सेल पकड़ पकड़ के खाना चालू कर देते हैं दौड़ ही नहीं पा रहे दौड़ नहीं पा रहे तो मारे जाएंगे तो फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस विद इन द यूट्रस एंड कॉपर आइन जो होते हैं ना कॉपर आइन रिलीज से रिलीज होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं स्प की मोटिलिटी को जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है और की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी घट जाती है क्योंकि के अंदर भी चेंजेस चेंजेस होते हैं हैं जब हो जाते हैं, तो वो कैपेबल नहीं होता कि ओवा को फर्टिलाइज कर पाए भाई हार थका हुआ स्पम्प जो दौड़ ही नहीं पा रहा है वो क्या फर्टिलाइज करेगा ओवा को तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसकी ठीक है चलो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल एनसीआर लाइन है जो चाहती हैं प्रेगनेंसी डिले हो या दो बच्चों के बीच में गैप रहे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है इंडिया के अंदर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है एनसीआरटी ये भी कहती है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया इंडिया में सबसे ज्यादा जिसको स्वीकारा है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी ने जिसको स्वीकारा है वो यूट्राइन डिवाइस है क्लियर बिल्कुल चलो बहुत सही अब टाइप्स ऑफ यूट्राइन डिवाइस भाई तीन टाइप के हो सकते हैं या तो नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं जो कुछ भी रिलीज नहीं करते कुछ भी रिलीज रिलीज नहीं करते ये जैसे मानो नॉन मेडिकेटेड में लिपिस लूप ठीक है इस तरीके से ये क्या होते हैं लूप्स होते हैं इस तरीके से क्या होते हैं ये, ये इस तरीके से ठीक है

समझ रहे हो आगे बढ़ते हैं अब कॉपर रिलीजिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं नंबर वन कॉपर की बात कर लेते हैं इनमें कॉपर लोड होता है क्या लोड होता है कॉपर ये कॉपर लोडेड है कॉपर लोडेड है कॉपर यहां कॉपर लोड है यहां कॉपर लोड है यहां कॉपर लोड है ये धीरे धीरे कॉपर आयन को रिलीज करते रहते हैं कॉपराइन को धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं कॉपर आइन को धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं आप समझ रहे हो क्या चलो ठीक है कॉपर तो आइन को धीरे धीरे क्या करते रहते हैं रिलीज करते रहते हैं ठीक है तो कॉपर आइन को धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं कॉपर आइन क्या काम करते हैं कॉपर आइन करते क्या है ये कॉपर आयन दो काम करते हैं यूट्राइन वॉल को स्टमुलेट करते हैं टॉक्सिक साइटोकाइन रिलीज करने के लिए टॉक्सिक साइटोकाइन ये टॉक्सिक साइटोकाइन स्पम की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और स्पम और ओवा की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी खत्म कर देते हैं तभी तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बहत्तर घंटों के अंदर इन कॉपर लेजिंग डिवाइस को इम्प्लांट कर दिया जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी काम करते हैं ये ठीक है ध्यान रखना है आपको तो अच्छा कितना कॉपर चाहिए होता है इस चीज के लिए कम से कम फिफ्टी माइक्रोग्राम पर डे कॉपर चाहिए होता है तो बस इतना चाहिए तभी काम बनेगा ठीक है क्या रिलीज करते हैं रिलीज टॉक्सिक साइटोकाइंस सप्रेस कर देते हैं स्पम की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को अब नाम कहिए कॉपर टी टू हंड्रेड मल्टीलोडेड कॉपर टी ठीक है ये डिपेंड करता है कितना कॉपर लोड कर रहे हो ये कॉपरटी कितने दिन के लिए है एक महीने के लिए दो महीने के लिए तीन महीने के लिए उसके हिसाब से कॉपर लोडेड होगा उसके हिसाब से डिफरेंट नेम हो गए एक दिन में फिफ्टी माइक्रो माइक्रो ग्राम कॉपर चाहिए ही चाहिए इतना चाहिए तभी काम करेंगे उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं अब आ जाते हैं हॉर्मोन रिलीजिंग यूट्राइन डिवाइस हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इसका बताता हूं मैं अरे डिवाइस okay. तो हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्राउट्राइन डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें दो नाम याद रखने हैं आपको इंक्लूडिंग प्रोजिस्ट्रॉन प्रोजिस्ट्रॉन कंटेनिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एक तो नाम है सर्ट एक नाम है लिवो नॉजिस्टिर इट इज ऑल्सो कॉल एनजी ट्वेंटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टासर्ट और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल को हम क्या बोलते हैं एल एनजी ट्वेंटी बोथ आर बोथ प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग दोनों में ही प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है मेन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है जो कॉन्ट्रासेप्टिक भी तरह काम करता है

ये यूट्राइन वॉल है समझना ठीक है मान लो इन्होंने एक एस्ट्रोजन कंटेनिंग जरूरत नहीं है मान लो इन्होंने कोई डिवाइस इंप्लांट करा ली इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अब ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या काम करेगी ये हार्मोन्स ये क्या रिलीज करेगी हार्मोन्स हार्मोन रिलीज करेगी ये यूट्राइन ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा यानी इससे क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा एस्ट्रोजन इन ब्लड अगर ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का अच्छा एस्ट्रोजन लिख दिया प्रोजिस्ट्रॉन लिखने इंक्रीज इंक्रीज प्रोजिस्ट्रॉन इन ब्लड भाई इसकी वजह से ब्लड का प्रोजिस्ट्रॉन लेवल बढ़ गया नॉर्मल केस में ब्लड प्रोजिस्टॉन लेवल कब बढ़ता है जब प्रेगनेंसी मदर प्रेगनेंसी यानी बेबी कंसीव करती है तब बढ़ता है ना क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का और काम करता है हार्मोन ये आपने पहले ही बढ़ा लिया आर्टिफिशियली तो जब आप प्रोजिस्ट्रॉन लेवल ब्लड में बढ़ाओगे तो क्या होगा ये प्रोजिस्टॉन क्या काम करेगा पहला ये बढ़ा हुआ प्रोजिस्ट्रॉन सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा सर्विक्स फिर वजायना ये बड़ा हुआ प्रोजेस्टोन सर्विक्स के म्यूकस को थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस पहला काम क्या करेगा ये? फर्स्ट क्या करेगा थिकनिंग ऑफ सर्विक सर्विकल म्यूकस थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस सर्विकल म्यूकस की थिकनिंग करेगा इससे क्या होगा स्पम स्पम की एंट्री नहीं हो पाएगी समझ में आ गया और क्या काम करेगा ये इंप्लांटेशन को रोकेगा प्रीवेंट इंप्लांटेशन क्योंकि प्रोजिस्टोन लेवल बढ़ाने का मतलब है प्रोजिस्टोन लेवल बढ़ाने का मतलब है ठीक है आपने यूट्राइन वॉल के अंदर ठीक है जो चेंजेस हो रहे थे ना उसको रोक दिया ठीक है अब चेंजेस नहीं हो पाएंगे मेंटेन रहेगी ऐसे की ऐसी ठीक है इन स्यूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन या प्रिवेंट इम्प्लांटेशन prevent implantation और क्या होगा भाई प्रोजेस्टोन बढ़ने का मतलब है ये प्रोजेस्टोन बढ़ा हुआ प्रोजेस्टोन सीधा कहां जा रहा है बताता हूं इसके अलावा ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टोन जो आपकी फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी थी मोटेलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी क्योंकि फेलोपेंटी मोटेल होती है हाली सिक्रेटरी होती है जो ओवा और स्पम की मेटिंग कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको सप्रेस कर देता है क्या करता है सप्रेस मोटेलिटी एंड सिक्रेटरी एबिलिटी फैलोपियन ट्यूब ठीक है सप्रेस कर दिया सप्रेस कर दिया इम्प्लांटेशन को रोक दिया सर्विकल को थिक कर दिया इसको भी सप्रेस कर दिया और साथ में आप जानते हो बड़ा हुआ प्रोजिस्ट्रोन क्या काम करेगा इनिबिट करेगा किसको इनिबिट करेगा इनिबिट करेगा जी एन आर एच अभी बताया था मैंने अगर जी एनआरएच नहीं निकलेगा अगर जी एनआरएच नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिकली एल एच और एफ एस एच भी नहीं निकलेंगे एल एच एफ एस एच ये भी नहीं निकलेंगे <coughs> और एल एच क्या काम करता है ओवल्यूशन मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है एफएसएस क्या काम करता है एफ एस एस क्या काम करता है इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड क्वालिक्यूलर डेवलपमेंट अगर जी एन आर एच नहीं निकलेगा ये रुक जाएगा तो एल एच एफ एस एस नहीं निकलेंगे ओवोल्यूशन नहीं होगा एनोवल्यूशन हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा ठीक है फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा समझ में आ गया ये सारी चीजें रुक जाएंगी अगर प्रोजिस्ट्रॉन के लेवल को बढ़ा दिया तो अब जितनी भी डिवाइस यूज करूंगा ना उसमें प्रोजिस्ट्रॉन होगा और प्रोजिस्ट्रॉन चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में लो इंजेक्शन की फॉर्म में लो इम्प्लांट की फॉर्म में लो इंट्रा यूट्रेन डिवाइस की फॉर्म में लो ये इस तरीके से सारे काम करते हैं इन सबको ब्लॉक कर देते हैं ठीक है चलो ये बात समझ में आ गई समझ में इम्प्लांटेशन को रोकेंगे सर्विकल स्पोवेशन कर देंगे इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी कर देंगे सारी बात समझ में आ गई होंगे अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो टेबलेट आते हैं पिल्स गोलियां अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर बात करते हैं ना तो ये पिल्स या तो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होगी

तो प्रॉपर तरीके से साइकिल का रन होना बहुत जरूरी है ये साइकिल उसकी हेल्थ का इंडिकेटर है समझ रहे हो तो जब लोगों ने ये इनको मिनीपिल बोलते हैं ठीक है मिनीपिल मिनीपिल कंटेनिंग जो पिल थे ना प्रोजेस्ट्रॉन सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग थे उनको मिनीपिल बोलते हैं मिनीपिल्स और जो प्रोजिस्ट्रोन एस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन थे प्रोजिस्ट्रोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वाले थे इनको हम कंबाइंड पिल बोलते हैं प्रोजेस्टोन एस्ट्रोजन दोनों ही कॉम्बिनेशन जिनके पास थे इनको कंबाइंड पिल बोलते हैं मिनी पिल एंड कंबाइंड पिल दो तरीके के टैबलेट्स मार्केट में आते थे मिनी मिनी का मतलब है सेम जो अभी मैंने मैकेनिज्म मैं बताया था भाई आपने मिनी पिल खाए प्रोजेस्टोन का लेवल बढ़ा रहेगा जब तक बढ़ा रहेगा तब तक सब कुछ रुक गया साइड इफेक्ट हुए तो दिमाग साइंटिस्टों ने लगाया फिर कंबाइंड पिल बनाए कंबाइंड बिल्ड में प्रोजिस्ट्रोन एस्ट्रोजन दोनों होता है बस ध्यान ये रखना है नेचुरल प्रोजिस्ट्रोन एस्ट्रोजन हम यूज नहीं करते जब भी मैं प्रोजेस्टोन की बात करूंगा तो प्रोजेस्टोन के केस में आप यूज करोगे लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल सिंथेटिक और जब भी मैं एस्ट्रोजन की बात करूंगा तो एस्ट्रोजन केस में आप यूज करोगे एस्ट्रा डाइ इथेनाइल एस्ट्रा डायोल ये दो नाम आपको याद रखने हैं इथेनाइल एस्ट्रा डायोल और लीवोनॉर्जिस्ट्रोल तो याद रहेगा ही ठीक है मैकेनिज्म समझो ये क्वेश्चन आएंगे जैसे ये मार्केट में टैबलेट्स आते थे कम माइंड पिल कैसे बनाए हमने समझो मेरी बात पहले दिन की गोली अलग होती थी दूसरे दिन यहां पर धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है हर गोली के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ मिलेगा समझ रहे हो क्वेश्चन तो आता था पहली गोली किस दिन लेनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते ही खत्म होने से एक दिन पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के पांचवें दिन से आप स्टार्ट कर दोगे फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली गोली कब लोगे फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पहली गोली आपने पांचवें दिन भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी तो कोई मतलब ही नहीं है ना पांच छठवें दिन से चीजें चालू हो जाएंगे तो एक दिन पहले पांचवें दिन से पहली टेबलेट खा लोगे फर्स्ट टेबलेट फिर आप दूसरी गोली लोगे फिर तीसरी लोगे चौथी लोगे पांचवी लोगे छठवी लोगे सातवीं लोगे आठवीं लोगे नवी लोगे दसवीं लोगे ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं पंद्रवी सोलहवीं सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस मैंसुरल साइकिल का जो इक्कीसवां दिन होगा तब तक लोगे याद आया हो ठीक है इक्कीसवें दिन जो इक्कीसवां दिन चलता है ना टोटल मैंसुरल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं चौदह के बाद ठीक है टोटल मैंसुरल साइकिल की बात कर रहा हूं इक्कीसवे दिन की अगर मैं बात करूं भाई पहले दिन से ले रहे हो किसवे दिन तक ले रहे हो इक्कीसवे दिन का मतलब है आप डे साइकिल का पच्चीसवा दिन होगा वो गोली आप पहली गोली कब ले रहे हो फर्स्ट गोली पांचवें दिन ले रहे हो ठीक है पहली गोली फिर इक्कीसवे नंबर की गोली कब लोगे आप मैं ट्वेंटी फिफ्थ डे पच्चीसवें दिन लोगे क्योंकि पच्चीसवें दिनिस्ट्रॉन पीक पर होता है उसके बाद डाउन होना चालू हो जाता है बस तब तक आपको लेनी है फिर प्रोस्टॉन डाउन होगा फिर तो मतलब भी नहीं एक बार डाउन होना चालू हो गया मतलब कॉर्पस ल्यूटियम कर चुका है वो दोबारा बनेगा तो है नहीं यानी प्रेगनेंसी अब कंसीव नहीं होगी तो आपको क्या करना है पहले दिन से लेकर के एक भाई, कितनी गोली लेनी है आपको टोटल ट्वेंटी वन डेज गोलियां लेनी है किस दिन से स्टार्ट करना है फिफ्थ डे ऑफ से लेकर के ट्वेंटी फिफ्थ डे ऑफ मैं कितने दिन गोलियां नहीं लेनी बचे हुए सात दिन आपको गैप करना है पर फीमेल के सामने समस्या क्या होती थी ये गैप आते थे सात दिन के बाद फिर से चालू करनी है मैकेनिज्म क्योंकि इन दिनों क्या होगा मैं चालू हो जाए क्यों चालू हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों है इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों है कंटिन्यू क्या होता है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है इंक्रीज होता जा रहा है हर टेबलेट में एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होगा एंडोमैट्रियम थिक हो रही होगी

ठीक है इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा हुआ सब सात दिन टैबलेट नहीं दोगे तो फ्लो चालू हो जाएगा तो फीमेल की जो मेंटेलिटी होगी यार रहती है। तो पिल का जो फायदा था ठीक है क्वेश्चन कितनी गोलियां ली जाती हैं इक्कीस जो गैप होता है इन गैप में हम क्या लेते हैं आयरन आयरन पिल बोल सकते हो यहां पे हम क्या ले रहे हैं आयरन पिल आयरन पिल क्यों लेते हैं इससे फायदा यह हुआ क्योंकि फीमेल सात दिन गैप होता था ना तो वो भूल जाते थे कब तक गैप है कब तक नहीं है इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता था और बेबी कंसीव हो जाता था अब क्या करनी है इन बचे हुए सात दिन में हमने आयरन पिल डाल दिए इससे भाई आयरन से क्या होता है भाई ब्लड हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है और फीमेल को पता है यहाँ तक खानी फिर ये खानी है ये खत्म हो जाएंगी फिर यहां खानी है तो ये आयरन पिल ऐड करने का फायदा था इन रैपर्स के अंदर समझ में आ गया कितने दिन लेते ट्वेंटी देस, वन डेज फिफ्थ डे से लेते हैं ट्वेंटी बनते हैं तीन समझ में आया नहीं आया ये जो मैंने कर इसके अंदर. आगे चलते हैं काम क्या अगर काम वही करेंगे को रोक देंगे, लेवल दिया, को चेंज कर देंगे, सर्विकल को थिक कर देंगे मोटिलिटी घटा देंगे काम तो वही है वही रहेगा इसके अलावा हम क्या लेते हैं इंजेक्टेबल डिवाइस लेते हैं

ये तीन से लेके पांच साल तक के लिए कॉन्ट्रासेप्टम लंबे सम, लंब समय के लिए काम करते हैं फ्रीडम फाइव के नाम से एक ब्रांड फेमस भी है इसका थ्री टू फाइव ईयर के लिए इनको नॉर प्लांट भी बोलते हैं नॉर प्लांट ये क्वेश्चन पूछा गया है नॉर प्लांट के ऊपर थ्री टू फाइव ईयर पांच साल फ्रीडम फाइव के नाम से फेमस है कैसे काम करते हैं देखो एक इंजेक्शन होता है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सिलिका के कैप्सूल होते हैं जिसमें प्रोजिस्टिन होता है यानी प्रोजिस्ट्रॉन हाथों में इसको फोर आर्म्स में अपर फोर आर्म्स में इस तरीके से निशान बना दिए जाते हैं जहां पर इन सिलिका को आप इंजेक्ट करोगे बना दिया अब धीरे धीरे एक एक कैप्सूल को इसके अंदर डालते जाओगे निशान बना ये डाल दिया एक कैप्सूल ये डाल दिया ये डाल दिया ये डाल दिया ये डाल दिया डाल दिया और यहां पर एक हल्का सा स्टिच कर दोगे ठीक है तो ये छह सिलिका के कैप्सूल धीरे 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 प्रोजेस्टोन को रिलीज करते रहते हैं जिसकी वजह से प्रोजेस्टोन लेवल बढ़ा रहता है सब चीजें रुकी रहती हैं पांच साल तक पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम स्टॉप रहेगी समझ में आई या नहीं आई आई या नहीं आई समझ में आ गया ना यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ हेलो एकदम क्लियर है ना सर नीट का सरप्राइज पेंडिंग है दीपक वर्मा तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो ठीक है कुछ सरप्राइज पेंडिंग है कुछ मैंने अनाउंस कर दिए हैं ठीक है समझ रहे हो अंतिम मैराथन हम लॉन्च करने वाले हैं लॉन्च का मतलब है हम यहां ब्रह्मास्त्र को ही चेंज कर देंगे मैराथन में यानी ब्रह्मास्त्र बंद हो जाएगा मैराथन चालू हो जाएगा पहला दूसरा नीट के जब पेपर आ जाएगा ना पेपर होगा उससे तीन चार दिन पहले हम तीन फुल लैंड टेस्ट कराएंगे विद डिस्कशन बिल्कुल नीट की तरह उन तीन दिन आपको भी नीट वाली फीलिंग होगी हमको भी क्योंकि तो हम दो से पांच पेपर कराएंगे और सात से ग्यारह पूरा प्रॉपर डिस्कशन होगा बिल्कुल वैसा ही वो ही सेम चीजें सब कुछ वैसा ही ठीक है और छोटे छोटे सरप्राइज बीच में आएंगे ठीक है इसके बीच में दो अनाउंसमेंट दो अनाउंसमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ठीक है समझ समुद्र एक तो आती है समझो मेरी बात ठीक है मॉर्निंग आफ्टर पिल या आईपीएल के नाम से आती है ठीक है उसमें एक सबिस्टेंस होता है आर यू फोर एटी सिक्स आर यू फोर एटी सिक्स

का काम करना बंद कर देगा तुरंत एबॉर्शन हो जाएगा तो ये बहुत खतरनाक टैबलेट्स होती है सिंगल टैबलेट ही सफिशियंट होती है, है? इमरजेंसी में अंदर अगर यूट्रस में इंप्लांट कर दोगे तो वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का, का काम करते हैं क्योंकि 72 टू आर के अंदर अगर इम्प्लांट करते हो तो कॉपर आइन स्पम और ओवा दोनों को ही अनकैपेबल बना देते हैं फर्टिलाइजेशन के तो ही नहीं हो पाएगा ठीक है? प्रोजेस्टोन है है। है? तो के, के लेवल को बढ़ा दिया अचानक से तो प्रोजेस्ट का लेवल अगर बाहर से बढ़ा दोगे तो कॉर्पस लूटियम डीजेरेट कर जाएगा समझ रहे हो ना उसका काम करना बंद हो जाएगा तो ये भी एक तरीके से ठीक है इम्प्लांटेशन

रिमूवल ऑफ वास टॉमी कट कर देना टॉमी का मतलब है कट कर देना समझ रहे हो टॉमी मतलब कट कर देना आपने क्या क्या, क्या काम किया वास्ट डिफरेंस को कट किया टिल्ट कर दिया इससे क्या होगा इससे क्या इस मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस होगी यस स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू होगी स्पर्मेटोजेनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैटो कंटिन्यू होगी एस्ट्रोजन का लेवल टेस्टोस्टर टेस्टोर निकलेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेक्सुअल डिजायर या ड्राई में कोई इफेक्ट आएगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा ठीक है स्पंप बनेंगे भी इसके अंदर स्पम्प इस निकलेंगे भी स्पम्प निकलेंगे यहां तक जाएंगे आगे नहीं जाएंगे बस इतना अंतर है स्पम्प बनेंगे यहां तक जाएंगे आगे नहीं जाएंगे बस इतना अंतर है ठीक है समझ रहे हो ये सब कुछ क्या पेनिस में इरेक्शन होगा यस इरेक्शन ऑफ पेनिस में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी इरेक्शन प्रॉपर होगा क्या इजेक्यूलेशन होगा यस इजैक्यूलेशन होगा पर इस एजेक्यूलेशन के अंदर सीमन विदाउट स्पम स्पम नहीं होंगे भाई इन ग्लैंड के फ्लू तो निकलेंगे ही ना पर उसमें स्पम नहीं होंगे यानी इजैक्युलेशन विदाउट स्पम विदाउट स्पम स्पम के बिना होगा बस यही एक अंतर है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो सेक्सुअल ड्राइव में कोई अंतर आ रहा है ना टेस्टोस्टेरोन के लेवल में ना स्पर्मेटोजेनेसिस में ना इरेक्शन में सब कुछ नॉर्मल है बस बीच में क्या कर दिया हमने इसको कट करके टिल्ड कर दिया क्या इमीडिएटली इफेक्टिव होती है नो जैसे आज किसी ने वास्तिक टॉमी कराई ठीक है और अगर उसने ठीक है कॉपुलेशन किया

इट इज माइनर सर्जरी छोटी सर्जरी होती है स्कोरटम की ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है गवर्नमेंट में स्पम प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है कोई दिक्कत नहीं आती आफ्टर वैसेक्टोमी इजैक्यूलेटेड सीमन होगा पर विदाउट स्पम होगा इफेक्टिव इमीडिएटली होती है नो नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली जबकि अगर मैं ट्यूबेक्टोमी की बात करता हूं फेलोपिन ट्यूब की बात करता हूं तो सेम काम यहां पर भी हो रहा है यहां फेलोपिन ट्यूब को आप कट करके टिल्ट करके ब्रेक कर रहे हो इसमें आपसे पूछा जाए मैं साइकिल रन होगी यस yes. मैं कंटिन्यू चलेगी एस्ट्रोजन का प्रोजिस्ट्रॉन का लेवल प्रोजिस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन इसके लेवल में कोई कमी आएगी कोई कमी नहीं आएगी जैसे वैसा ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है मैं चलेगी एस्ट्रोजन प्रोजिस्ट्रॉन बढ़ेंगे कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है बस क्या होगा ओवल्यूशन होगा ओवा आएगा ओवा इंतजार करेगा इस के आने का स्पम नहीं आ पाएगा इसलिए वह डिजेनरेट कर जाएगा बस इतना ही अंतर है उस फीमेल को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है परमानेंट मेथड है स्मॉल पार्ट ऑफ एलोपियन ट्यूब कट करके टिल्ट कर देते हैं लेप्रोटोमी के थ्रू भी कर सकते हैं ऐसे यहां से लेते हैं और ये यह यहां से ये यह काम किया जाता है यहां से डाल करके छेद करके यहां लेप्रोटॉमी से कर देते हैं इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली यस ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है आपने टिल्ट कर दिया तो स्पम एंटर नहीं कर पाएगा इमीडिएटली तुरंत ही मैन साइकिल कंटिन्यू रहती है डिस्ट्रॉयड बाय फेकोसाइट यहां फेकोसाइट होती हैं वो जो उस रिलीज होता है उसको खा जाती हैं मतलब स्पम उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा समझ में आई या नहीं आई समझ में आई या नहीं आई Yes, यही चाहिए सुपर हाँ इमीडिएटली इफेक्टिव ये इमीडिएटली होती है क्योंकि यहां कोई स्पम्प थोड़े ना भरे हुए हैं या ओवा भरे हुए हैं आगे वाले रास्ते ओवा तो पीछे ही होगा ना स्पम इमीडिएटली इफेक्टिव है आज कराई तो ओवा रिवोल्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि ओवा रेवोल्यूशन हो भी जाएगा तो ओवा यहां होगा यहां थोड़ी ना होगा चलो ये परमानेंट मेथड हो गया अब फाइनली बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हिंदी में इसको एबोर्शन बोलते हैं समझ रहे हो अबॉर्ट कर देना पर एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज आ गई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एम ठीक है आप कुछ अंडरलाइन किए हैं सीधे क्वेश्चन उससे मिल जाएगा अगर आपसे कहा जाए कि एक मतलब इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं ऑल ओवर वर्ल्ड ठीक है जितने बेबी कंसीव करते हैं ना लोग उनका ट्वेंटी परसेंट अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्थ हाँ ट्वेंटी परसेंट वन फिफ्थ हर साल एम होती है एम का मतलब है इंटेंशनली इंटेंशनली बेबी को मार देना डेथ कर देना किल कर देना इंटेंशनली समझ रहे हो इंटेंशनली किलिंग किलिंग इंटेंशनली ठीक है समझ रहे हो नियरली 45 फाइव टू फिफ्टी मिलियन एम आर परफॉर्मड क्वेश्चन आता फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मिलियन एम टी परफॉर्म इन अयर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में इतनी तो एम हो जाती है सोचो अगर एम टीपी नहीं होती तो पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ती इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका है नो no, बेटा नो no. ठीक है चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट पहले ये लीगलाइज नहीं थी ये लीगलाइज नहीं थी तो बड़ा उस पर दिक्कतें थी ठीक है पर इसको लीगलाइज किया गया इंडिया में तो इसको लीगलाइज कर दिया गया 1971 में इसको लीगलाइज किया गया क्वेश्चन आता है लीगलाइज कब किया गया इसको लीगलाइज किया गया 1971 में इसको लीगलाइज किया है का मतलब है लॉ बना दिए गए आप एम टी कर सकते हो शर्त है शर्त क्या तो आप एम करा सकते हो पर आप सोचो कि फीमेल फीटस है आप एम करा लो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो पनिशमेंट मिलेगा पनिशमेंट टर्म आ गया मतलब लीगलाइजेशन आ गया लीगलिटी आ गई एक्ट आ गया तो उसको लीगलाइज कब किया गया वन नाइन सेवनटी वन में इंडिया में ही किया गया था जिससे उसको कोई मिस यूज ना हो ठीक है चलो भाई कब तक सेफ है ये ट्वेल्व वीक तक तो बिल्कुल सेफ है बिल्कुल सेफ है मदर को कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं तो अक्सर कर मदर की डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है भाई एम टीपी एक तो मिफी पेरिस्टोन से बच्चे को मारते हैं लोग अगर बच्चा बड़ा हो गया तो फिर टेबलेट के अलावा उसको फिर निकाला जाता है बड़ी गंदी तरीके से स्क्रैपिंग मेथड से जिससे यूट्रस की वॉल है ना वो रप्चर हो जाती है हाई ब्लीडिंग होती है और फीमेल की डेथ हो जाती है तो इसीलिए अक्सर कर मेटरनल मोर्टलिटी रेट बहुत ज्यादा था एम टीपी केस में तो अगर ट्वेल्व वीक तक का अगर बेबी है तो सेफ है उस समय के हिसाब से बता रहा हूं सेफ है ठीक है ये क्वेश्चन आता है पर अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी ने कुछ चेंज किए हैं मैंने एनसीईआरटी सीधी उठा ली है ठीक है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक अमेंडमेंट एक्ट आया है लेटेस्ट आया है तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है एक नया एक्ट है इसके अकॉर्डिंग कब आया है 2017, 2017 के अंदर आया है ये एक्ट इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं क्या चेंजेस हुए हैं इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग जो एम थी ठीक है सर्टेन कंसीडर ग्राउंड अगर एमटीपी फर्स्ट ट्वेल्व वीक में कराते हो तो एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है ठीक है एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर से काम बन जाता है पर ऑन द ओपिनियन ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है बस उससे आप एम करा सकते हो वो अगर लिख के दे देगा ठीक है पर अगर 12 12 वीक से ज्यादा का टाइम हो गया 12 और 24 वीक तक की बात आ गई तो अब एक नहीं अब दो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर जब उनके साइन हो जाएंगे तब आप एम करा सकते हो यानी अब ट्वेल्व वीक तक भी एम कराई जा सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है मदर को मरने से बचाया जा सकता है मोर्टेलिटी रेट कम हो चुकी है टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है पर शर्त है कम से कम दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी अच्छा एम कब करा सकते हो कंडीशन है जैसे अगर प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क किसके लिए रिस्क को टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट मदर मदर के लिए कोई रिस्क हो समझ रहे हो कोई इंजरी हो गई हो कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो मदर के केस में तो आप एम करा सकते हो हाँ फीटस को अगर रिस्क है तो भी एम करा सकते हो तो रिस्क दैट द दा चाइल्ड बॉर्न सफर फ्रॉम कोई फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर से कोई एबनॉर्मलिटी से सफर कर रहा हो तो आप एम करा सकते हो शर्त है ये ये मेन रूल है ध्यान रखना कि 12 वीक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर और 24 वीक टू मेडिकल प्रैक्टिशनर ये क्वेश्चन आएगा और एक्ट ध्यान रखना 2017 में ये न्यू एक्ट आया है ठीक है अमेंडमेंट एक्ट 2017 अब आ जाओ सेक्चुअली ये हमारे लास्ट तीन पार्ट पूरे हो गए अब चौथा और पांचवा पार्ट छोटा-छोटा है ये अभी खत्म कर देते हैं इसमें तो एसटीडी में ज्यादा नहीं है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन बोलें तो ज्यादा बेटर है एस टी आई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन समझ रहे हो ज्यादा बेटर है या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो पेल्विक रीजन में होते हैं और एस टी डी के अंदर एस टी आई के अंदर इंफ्लामेशन कॉमन है सो इज कॉल पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज इसको आप पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोल सकते हो इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोल सकते हो इसको सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन बोल सकते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वीडी विनरल डिसीज क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम इस एसटीडी को जो डिस्कवर किया गया था विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया था तभी से इसको नाम रखा गया विनरल डिसीज विनरल डिसीज किस एज ग्रुप के लोगों में देखने को ज्यादा मिलती है जो इनोसेंट टाइप के होते हैं बारह से लेकर अठारह साल के बीच में गलतियां ज्यादा होती हैं उस एज ग्रुप के अंदर ठीक है अच्छा बारह से अठारह नहीं ठीक है आप बोलोगे यहां पर पंद्रह से चौबीस सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी एज ग्रुप के लोग करते हैं इसीलिए एस होने की प्रोबेबिलिटी भी इस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा होती है क्वेश्चन आता है इस एज के ऊपर अब क्वेश्चन एक एनसीआर की लाइन डायरेक्टली पूछी आएगी इन इंफेक्शन से बचा कैसे जा सकता है सिंपल सी बात है अवॉइड सेक्स विद अनोन पार्टनर अवॉइड करो ऑलवेज ट्राई यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वेटस अगर आपको डाउट हो रहा है तुरंत एक बेहतरीन डॉक्टर के पास जाओ ठीक है सारे टेस्ट कराओ और ट्रीटमेंट कराओ जरा भी गड़बड़ कर दिया तो मौत तय है समझ तीन चीजों को ध्यान रखना है इसके अंदर ये एडिशनल है आप चाहो तो रिवाइज कर लेना ना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल नहीं है पर एनसीईआरटी ने ये नीचे वाली लाइन ऐड कर रखी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ठीक है इसमें मैंने चार तो बैक्टीरियल डिसीज दे रखी है बी 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 ए वन टू थ्री फोर वायरल डिसीज दे रखी है एक प्रोटोजोन डिसीज है डिसीज और डिसीज कॉजिंग एजेंट ये आपको याद रखने पड़ेंगे डिसीज और डिसीज कॉजिंग एजेंट रूटीन क्लास में मैं उसका डिटेल भी याद करा देता हूं पर अब रिवीजन में याद कराने का तो मतलब नहीं है इसको याद रखने पड़ेंगे क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया हां सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं कौन सी है सिफ़ेलिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैंक्रॉइड वेरी इंपॉर्टेंट हरपीज जनरल वर्ड्स दोनों ही वेरी इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस ये भी खैर इंपॉर्टेंट तो है एड्स ये डिटेल में हम आगे पढ़ाते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट ही है ट्राइकोमोनियासिस ठीक है ट्राइकोमोनियासिस कॉज बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस ठीक है एक येलोइश डिस्चार्ज फीमेल के वेजाइनल ट्रैक से निकलता है बहुत गंदी इसमें स्मेल आती है ठीक है प्रोटोजोन डिसीज है ध्यान रखना है आपको इसमें अगर मैं जेनेटल वार्ड्स की बात करता हूं तो ये कैंसर एक तरीके से कैंसर ठीक है तो बस ये कॉजिंग एजेंट इसमें एनसीआर क्लाइन है एक्सेप्ट ऑफ द हेपेटाइटिस बी जेनेटल हर्पीस और एच आई वी इंफेक्शन तीन का हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं है इसको छोड़ करके और जितनी भी डिजीज है उनका क्योर है और अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो पर इन तीन का हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं है ये ध्यान रखना है इन तीन का हंड्रेड परसेंट क्योर नहीं है चलो इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी में एक क्वेश्चन बनता है बस ये बनेगा अनप्रोटेक्टेड सेक्स पुरानी एनसीआरटी में एक साल लिखा हुआ था बाद में एनसीआरटी ने अपडेशन किया टू ईयर कर दिया तभी तो मैं कहता हूं एनसीआरटी टाइम टू टाइम चेंज करनी चाहिए कंटेंट में चेंज होता है इस बार भी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं ठीक है कुछ चैप्टर ड्रॉप हुए और कुछ चैप्टर में जो मिस्टेक्स थी उनको अपडेट करेंगे समझ रहे हो ना अपडेशन जरूरी है एनसीआरटी न्यू रखना ओल्ड वाली से काम नहीं बनेगा ठीक है पर कुछ टॉपिक के लिए आपको ओल्ड वाली भी रखनी पड़ेगी हम आपको एकदम पूरा ओल्ड एंड न्यू का टोटल कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको टेंशन नहीं करनी है ठीक है तो एबिलिटी टू कंसीव ठीक है अगर आप दो साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो ये इंडिकेशन है इनफर्टिलिटी का

चीजें होती हैं वो इंप्रूव हो जाती है देन बेबी कंसीव हो जाता है ठीक है मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है तो टू ईयर का नया कंसेप्ट आ गया ये मत भूलना बस क्वेश्चन यहां से आएगा अब समझो अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो जाती है तो एक ही तरीका है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ए आर टी आर्ट, आर्ट आर्ट पढ़ाने से पहले मैं टेस्ट्यू बेबी पढ़ाऊंगा फिर आर्ट पढ़ाऊंगा खत्म चैप्टर ठीक है तो टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब थोड़ी ना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिस का एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है वेरी पूरा इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूं मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी में भी मैं पढ़ाऊंगा आठ ए आर टी आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक क्वेश्चन हर साल आता ही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट्यू बेबी टेस्ट्यू बेबी होता क्या है समझो ये मान लो फीमेल का यूट्रस है ये सर्विक्स है ये वजाइना हो गई है फेलोपियन ट्यूब ठीक है और यहां हैंग करके दिखा दो आप ओवरी जिसके अंदर कौन होंगे ओवा अब आपको करना क्या है समझना इस वजनल ट्रैक से इस वजनल ट्रैक से इन ओवा को कलेक्ट करना है वजनल ट्रैक से इन ओवा को कलेक्ट करना है ओवा इधर आपने मेल जो स्पम डोनेट करते हैं उनसे स्पम कलेक्ट कर लिए हैं इसमें तो स्पम है इसमें ओवा है समझना मेरी बात अच्छा ओवा इतने सारे बना दिए एक ही बनाते हैं ओवा कलेक्ट कर लिए थे उसमें यूज हम एक ही ओवा करेंगे यूज हम कोई एक ही ओवा करेंगे अब हम करेंगे क्या समझना फीमेल से पहले हमने ओवा को कलेक्ट किया ओवा इसमें क्या है स्पम इन स्पंप को हमने किसमें ट्रांसफर करा दिया इस ट्यूब में इसमें ओवा था ट्रांसफर कराने के बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो कंडीशन आएंगी वो क्या आएंगी नंबर वन बनेगा जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जो कंडीशन आएंगी वो क्या आएंगी जो फर्स्ट कंडीशन आएगी जायगोट सेकेंड कंडीशन क्या आएगी एट सेल एम्ब्रियो और थर्ड कंडीशन क्या आएगी सिक्सटीन सेल एंड एम्ब्रियो इतना आप टेस्ट ट्यूब में बना सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर बस एम्ब्रियो को आप यहीं तक ही बना सकते हो इसके आगे की जो स्टेज फर्टिलाइजेशन आप बॉडी से बाहर करा रहे हो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा रहे हो अर्ली एम्ब्रियो आप टेस्ट ट्यूब में बना रहे हो आप समझ रहे हो अर्ली एम्ब्रियो ये ओवरी है अर्ली एम्ब्रियो आप टेस्ट इन टेस्ट इन टेस्ट ट्यूब में आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हो और टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जायगोट बना रहे हो अर्ली एम्ब्रियो एट सेल वाला या सिक्स सेल वाला बना रहे हो ठीक है इसके बाद की स्टेज आप टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते आपको इसके लिए फिर फीमेल चाहिए यानी अगर आप अर्ली एट सेल और जायगोट की बात करते हो तो कहां पर इम्प्लांट करोगे या ट्रांसफर करोगे ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब। अगर आप 16 सेल वाली स्टेज की बात करते हो या इसको कैसे कहते हैं मोर देन एट सेल ऐसे भी लिख देगा तो कहां ट्रांसफर करोगे ट्रांसफर इन तो दो तरीके हैं टेस्ट टू में आप इतनी चीजें बना लोगे फीमेल से ओवा देखोगे ना मिक्की डोनर मूवी देखी होगी मिक्की डोनर तो मिक्की डोनर मूवी में लोग मतलब मिक्की डोनर जो डोनेट करता है तो ऐसे ही स्पम बैंक होते हैं स्पम बैंक से स्पम ले लिया ओवा ले लिया फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर कर लिया और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जायगोट बन जाएगा डिप्लॉइड जायगोट से एट सेल स्टेज आ जाएगी फिर सिक्सटीन सेल स्टेज आ जाएगी समझ रहे हो ना मेरी बात जायगोट एट सेल और सेल अगर जायगोट और तो तो इसको आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे क्योंकि जायगोट भी फेलोपियन ट्यूब में बनता है और एट सेल स्टेज भी फेलोपिन ट्यूब में बनती है हाँ सिक्सटीन सेल स्टेज कहा बनती है सिक्सटीन सेल स्टेज यूट्रस के अंदर तो सिक्सटीन सेल वाली स्टेज को आप यूट्रस में डाल दोगे या इम्प्लांट हो जाएगा एट सेल या जायगोट वाली स्टेज आ जाएगी इसको आप फेलोपिन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे बस बेबी कंसीव हो जाएगा इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं ठीक है समझ रहे हो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक लिखते हैं इंट्रा इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर जायगोट इंट्रा जेड आई एफ टी फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी अगर आप जायगोट को या एट सेल एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो तो इसके एक नाम आता है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर जी आई एफ टी जिफ्ट अगर इससे बड़ी स्टेज है तो इसके लिए टर्म यूज यूज, यूज करते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आई यू टी यू इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर अगर एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज वाला है तो आप यूट्रस में ट्रांसफर करोगे तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर अगर जायगोट सिंगल सेल या एट सेल वाली स्टेज है तो उसको फेलोपिन ट्यू में ट्रांसफर करोगे तो इसलिए यूज करेंगे जायगोट इंट्रा इंट्राफेलोपिन ट्यूब ट्रांसफर या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर ये टेक्निक्स हो गई जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ठीक है अब बात करेंगे आर्ट टिव टेक्नोलॉजी यहां से कहानी चालू होगी ए आर टी आर अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा इनफर्टिलिटी का केस है तब टेस्ट टू बेबी सेंटर जाना होगा वहां बहुत सारे केसों में भी बेबी को ठीक है कंसीव किया जा सकता है अब देखो कैसे करते हैं पूरी मैं कहना चाहता हूं आर्ट के अंदर अब आर्ट में दो चीजें पढ़ाने वाला हूं आपको एक तो आईवीएफ दोनों आईवीएफ है शॉर्ट फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक इन विवो फर्टिलाइजेशन एक तो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इन विट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन वीवो फर्टिलाइजेशन इन वीवो फर्टिलाइजेशन अब इन विट्रो इन वीवो में आई आई वी एफ आईवीएफ इसको बोलते हैं इसको नहीं बोलते क्योंकि इन वीवो फर्टिलाइजेशन तो नेचुरल मैकेनिज्म तो है इन वीवो फर्टिलाइजेशन तो नेचुरल मैकेनिज्म है तो वही टेक्निक नहीं है ठीक है समझो मेरी बात वो तो अंदर होता ही है पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ बोलते हैं ठीक है अगर मैं आईवीएफ की बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना ईवीएफ हम करते है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो एम्ब्रियो कहा बनाओगे बॉडी के बाहर तो इसकी किस में क्या करना होगा उस एम्ब्रियो को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा यानी इसके अंदर जो तो टेक्निक आती है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसमें क्या आएगी इसमें आएगी एम्ब्रियो ट्रांसफर इसको बोलते हैं एनसीएट लिखती है एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी तो इसमें आती है ईटी एम्ब्रे ट्रांसफर क्योंकि फट राशन कहां कर रहे हो आप बॉडी के बाहर टेस्ट्यू के अंदर तो एम्ब्रियो कहां बना टेस्ट्यू के अंदर ठीक है तो इसमें आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे हमेशा हमेशा एम्ब्रियो ट्रांसफर समझ रहे हो और जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात आएगी तो इसमें भी दो टेक्निक आती हैं ठीक है कौन कौन सी टेक्निक आती है इसमें बताता हूं मैं इसमें दो चीजें आएंगी एम्ब्रियो ट्रांसफर सीधे क्वेश्चन इससे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे सारे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन बचने वाला ही नहीं है इसमें एक तो यही आएगी टेस्ट्यू पे भी एक तो ट्यूब बेबी आ गया इसमें क्योंकि ट्यूब बेबी के अंदर दो टेक्निक आती हैं क्या क्या आती टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर एक तो आती है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर एक आती है जायगोट इंट्रा ट्रांसफर दोनों बताई थी मैंने इंट्रा इंट्राफेलोपेन ट्यू ट्रांसफर के अंदर हम जायगोट और एट सेल स्टेज को लेते हैं और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के अंदर हम सिक्सटीन को लेते हैं याद आ गया तो ये टेस्ट टू बेबी के अंदर आ गए अब दूसरी टेक्निक क्या आएगी इसके अंदर इसमें आएगी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पम इंजेक्शन ये क्या है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पम इंजेक्शन इसमें भी आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे क्योंकि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंज... स्पम इंजेक्शन के अंदर आप उन ओवा को लोगे जैसे मानो एक मेल है वो कहता है, नहीं भाई मुझे तो मेरा ही बेबी चाहिए डॉक्टर कहेगा कि आपके इस की जो डेंसिटी है बहुत कम है बहुत कम स्पम्प काउंट है और इस के अंदर मोटिलिटी भी प्रॉपर नहीं है वो स्पम्प कैपेबिली नहीं है फर्टिलाइजेशन के ना तू 20 लाख ले मुझसे 50 लाख ले मुझसे पर मुझे मेरा बेबी चाहिए तभी तो कह रहा हूं कि आज के डेट में जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो टेस्ट टू बेबी सेंटर खोल रहे हैं ठीक है टेस्ट टू बेबी सेंटर समझ रहे हो ना तो टेस्ट बेबी सेंटर में भाई जिसको जरूरत है अपनी बड़ी संपत्ति है तो उनको कोई ना कोई वारिश चाहिए तो वो वो कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं ठीक है तो बड़ा बढ़िया चल रहा है टेस्टिंग बेबी सेंटर ठीक है तो भाई वो कह नहीं नहीं मुझे मेरा ही बेबी चाहिए मेरे स्पम का मुझे किसी डोनर का स्पम नहीं चाहिए ठीक है भाई आपका स्पम लेते हैं इंजेक्शन में डालते हैं उसके न्यूक्लियस को और उस पूरे इंजेक्शन जो बेकार स्पम को भी उठा करके ओवा में इंजेक्ट कर देते हैं इस टेक्निक में करेंगे क्या समझो उस टेक्निक के अंदर क्या होने वाला है इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पम इंजेक्शन यहां हम ले रहे हैं एक ओवा एक ओवा लिया हमने ओवा इस ओवा के अंदर हम सिरिंज की हेल्थ से एक स्पम को स्पम को इंजेक्ट कर रहे हैं ध्यान रखना स्पम को इंजेक्ट करा रहे हैं ठीक है इस ओवा में हमने किसको इंजेक्ट करा दिया स्पम को क्योंकि ये जो स्पम था ना ये अनकैपेबल था नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए तो इससे क्या बनेगा जब स्पम इससे होगा फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट तो इसमें भी जायगोट आप टेस्ट ट्यूब में ही तो बना रहे हो टेस्ट ट्यूब में आपने स्पर्म को साइटोप्लाज्म इंजेक्ट कर दिया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जैकोट बन गया इसको आप ट्रांसफर कर दोगे यूट्रस के अंदर फिर इसके आगे की मैकेनिज्म तो सिंपल टेस्ट भी भी जैसी हो गई पर कंडीशन थी तो इसमें भी आप एम्ब्रियो ही ट्रांसफर करोगे इसीलिए किया है जबकि अगर मैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करता हूं तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन इनसाइड इनसाइड बॉडी इसका मतलब क्या हो गया फर्टिलाइजेशन इनसाइड साइड बॉडी इन इनसाइड बॉडी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइशन कब होगा जब आप बॉडी के अंदर को के, तभी तो होगा भाई या तो फीमेल गैमीट ट्रांसफर कर दो या मेल गैमीट ट्रांसफर कर दो गैमीट अंदर जाएंगे तभी अंदर फर्टिलाइजन करेंगे तो इसमें एम्ब्रो ट्रांसफर नहीं करते इसमें गैमीट ट्रांसफर करते हैं तो इसको मैं अगले स्लाइड में दिखा रहा हूं जगह नहीं है इन वीवो फर्टिलाइजेशन अगर मैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करूं वीवो तो इसमें आप क्या करोगे फर्टिलाइजेशन इन साइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन इन साइड इनसाइड साइड द बॉडी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजन इनसाइड साइड द बॉडी जब फर्टिलाइजन इनसाइड साइड द बॉडी होगा तो हंड्रेड परसेंट आप क्या करोगे गैमी ट्रांसफर करोगे तो इसमें क्या करना होगा गैमीट ट्रांसफर करने होंगे और जब भी गैमी ट्रांसफर की बात आएगी तो गैमिट मेल भी हो सकते हैं मेल गैमी ट्रांसफर या फीमेल गैमी ट्रांसफर या फीमेल गैमी ट्रांसफर और जब भी हम मेल गेमी ट्रांसफर की बात करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं सम्झ, समझो मेरी बात मेल गेमी ट्रांसफर में दो चीजें आती हैं क्या क्या आती हैं या तो इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन आई टी नहीं आएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर उस टेक्निक के अंदर आ गया इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन इस टेक्निक के अंदर आ गया या आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन ए आई ये दो टेक्निक इसके अंदर आती हैं दोनों में मेल गेमिट ही ट्रांसफर होते हैं अंतर इतना होता है समझो मेरी बात समझने की कोशिश करना ये किस यूट्रस है किसी फीमेल का ये उसकी सर्विक्स है ये उसकी वजाइना है ठीक है अगर कोई डोनर स्पम देता है डोनर देता है तो स्पम्प काउंट बढ़िया है तो स्पम्प को कहां पर इंजेक्ट करोगे इन स्पंप को आप इंजेक्ट करोगे वेजा के अंदर तो वजाइना में स्पम्प इंजेक्ट करने का मतलब है आप क्या यूज करोगे आई ए आई आर्टिफिशियल यूज करोगे वजाइना के अंदर पर मान लो डोनर जो है या डोनर नहीं है उस मेल में, उस मेल मेल में जो था ऑलिगो स्पर्म, स्पर्म स्पर्मिया हो रखा है तो उसके स्पम को अगर यहां डालोगे ना तो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे स्पम्प क्योंकि स्पम्प काउंट कम है सेल उसको मार देंगे तो उन स्प को आपको यूट्रस में डालना पड़ेगा इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन करना होगा इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन करना होगा तो इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन मेल गैमीट को ट्रांसफर करोगे यूट्रस में आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन मेल गैमिट को ट्रांसफर करोगे बजायना में कहा पर यूट्रस तो ये होता है बेटा मेल गैमिट ट्रांसफर इसमें दो टेक्निक आई यू आई और ए आई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन वजाइना इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इन यूट्रस अब फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल गैमिट के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक इंक्लूड है कौन सी टेक्निक गैमीट इंट्राफेलोपियन टू ट्रांसफर जी आई एफ टी गैमीट ट्रांसफर अगर किसी फीमेल के पास ओवा नहीं है तो डोनर से ओवा लेंगे और उस डोनर से ओवा लेकर के उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ओवा को ट्रांसफर कर देंगे ठीक है तो इसमें क्या आएगा ट्रांसफर फीमेल ओवा इन फेलोपियन ट्यूब इसी को बोलते हैं गैमिट इंट्राफेलोपेन ट्यूब ट्रांसफर ठीक है तो फीमेल यानी ओवा का गैमिटापेन ट्यूब में ट्रांसफर करना तो ये आता है इन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन दोनों केस के अंदर इनसाइड द बॉडी हो रहा है समझ रहे हो मेल गैमिट ट्रांसफर करोगे मेल गैमिट के लिए दो टेक्निक आ जाएंगे और फीमेल गैमिट के लिए सिर्फ एक टेक्निक आएगी ठीक है ये कंप्लीट हो जाता है हमारा ये वाला पार्ट बहुत बेहतर तरीके से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इन में एकदम महारत हासिल हो जाएगी जैसे क्वेश्चन आपके सामने जरा फटाफट रिस्पॉन्स दो मुझे देखो क्या बोल रहे हो फटाफट रिस्पॉन्स दो इस क्वेश्चन का फटाफट रिस्पॉन्स द टेक्निक टेक्निकोपिन ट्यूब ट्रांसफर जी आई एफ टी अभी बताया मैंने GIA, एक क्वेश्चन आएगा नीट में इसलिए इज रिकमेंडेड फॉर फीमेल किन फीमेल को रिकमेंड की जाएगी उन फीमेल को जो जिनके अंदर ओवा नहीं बन रहा या ओवा निकल नहीं पा रहा ठीक है टू नैरो एंड पैसेज ऑफ द नहीं हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन हु कैन नॉट प्रोवाइड एन ओवम हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इन हु कैन नॉट प्रोवाइड एन ओवम जिनके पास ओवम नहीं है तो हम डोनर से ओवम लेंगे और फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे हु नहीं ठीक है तो ओवम जिसके पास नहीं है उसके लिए आप गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर टेक्निक यूज करोगे जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट एम्ब्रियो मोर देन एट ब्लास्टोम इन टू यूट्रस सेल वाले एम्ब्रियो को तो एम्ब्रियो ट्रांसफर एम्ब्रियो ट्रांसफर दो चीजें बताई थी मैंने ठीक है एक तो भाई एम्ब्रियो को आप कहां ट्रांसफर या, यूट्रस में इंट्रा ट्रांसफर ढूंढो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है? है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर तो जब भी एट से ज्यादा सेल हैं तो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिफ्ट आर करेक्ट बट वन रॉन्ग जयगोट इंट्राफेलोपेन ट्यू ट्रांसफर ठीक है एट सेल अब देख लो क्या रॉन्ग है इसके अंदर रॉन्ग पूछा है इट इज अगोट इंट्राफेलोपिन ट्यू ट्रांसफर यस जायगोट इज ट्रांसफर इन टू फेलोपेन ट्यू आफ्टर इजन यस अर्ली एम्ब्रियो अप टू एट ब्लास्टोमियर कैन ऑल्सो ट्रांसफर इंटमेंट टू यसोट और एट वाला एमब्रियो विद मोर देन एट ब्लास्टोमियर आर ऑल्सो ट्रांसफर इंटमेंट नो एट से ज्यादा कहां का ट्रांसफर करोगे यूट्रस में फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा टेस्टी वन क्या है टेस्ट्यू बेबी ठीक है तो एनसीआरटी की लाइन है टेस्ट बेबी इट इज अवर फ्रॉम वाइफ या डोनर से ले लो स्प फ्रॉम हसबेंड या डोनर से ले लो ठीक है आर इंड टू फॉर्म जयगोट बाई आईवीएफ इन वेट्रो फर्टिलाइजन धन इम्प्लांट इन द फीमेल फीमेल बॉडी में इम्प्लांट कर दो इसी को ही हम टेस्ट्यूबे भी बोलते हैं द स्टेज ट्रांसफर इन टू द यू ट्रस्ट आफ्टर इंड्यूज फर्टिलाइजन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी लेबोरेटरी में आपने ओवा ठीक है फर्टिलाइज uh, कर दिया

पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल इन्फर्टिलिटी ड्यू टू फ्यू काउंट स्पम काउंट बहुत कम है इन दूर इट कैन बी जब स्पम ही नहीं है उसके पास लाइव समझ रहे हो तो ऐसे कंडीशन में उस स्पम्प को आप इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दोगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लास्मिक स्पम इंजेक्शन कर दो उसका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लास्मिक स्पम इंजेक्शन The latest technique to provide a child is GIFT. Full form gamete intrafallopian tube transfer, gamete intrafallop, fertilization. What is Gamete internal fertilization and transfer. Gamete intrafallopian tube transfer. Gamete intrafallopian tube. General, na Second option The test tube baby program. विद वन ऑफ़ द फॉलोइंग टेक्निक, टेस्ट बेबी प्रोग्राम ठीक है, एंप्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टेस्ट बेबी प्रोग्राम में क्या आएगा गैमिट इंट्राफेलोपिन ट्यूब ट्रांसफर टेस्टी प्रोग्राम में नो जैगोट इंट्राफेलोपिन ट्यूब ट्रांसफर यस इंट्रा साइटोप्लाजमिक स्पम इंजेक्शन नो इंट्रा यूट्रन इंसेमिनेशन नो तो कौन सा आएगा सेकेंड एक एक चीज फ्लो डायग्राम में हर तरीके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे फ्लो डायग्राम से आपके हर तरीके के क्वेश्चन सोल्व होंगे समझे डियर फ्यूचर डॉक्टर्स ठीक है सुपर जीनियस तो बेटा लगे हैं और लगे रहेंगे सच कह रहा हूं ठीक है तो मैं उन हेटर से जरूर बोलूंगा ठीक है जो बहुत हेट करते हैं हम लोगों को पर मैं सच कह रहा हूं उन हेटर की वजह से ही जुनून आया उन हेटर की वजह से ही मतलब पागलपन आया यार कुछ करेंगे अब तो और ज्यादा अच्छे से करेंगे ठीक है और बेहतर करेंगे ठीक है बेहतर करने तो निकले ही थे पर एक ना मोटिवेशन एनर्जी चाहिए होती है तभी मैं कहता हूं अगर किसी बच्चे की कोई इंसल्ट कर दे तो उसका बुरा मत मानना उस इंसल्ट को अपने अंदर पालना और उसको अपनी पावर बनाना आगे बढ़ने की मैं सच कह रहा हूं ये बहुत बढ़िया तरीका होता है आगे बढ़ने का ठीक है अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा इंसल्ट बहुत इसको सोचोगे समझोगे तो समझ में आएगा ठीक है डाउट no आपकी ग्रोथ से लोगों को जैसे बहुत प्यारा तरीका है अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना या गलती से आपका नहीं हुआ और आपके रिश्तेदार का सिलेक्शन हो गया जीना हराम कर देंगे लोग जीना हराम कर देंगे मैं सच कह रहा हूं ठीक है आपके रिश्तेदार जो होंगे ना उनका बच्चा भी तैयारी कर रहा हो और आप भी तैयारी कर रहे हो मैं सच कह रहा हूं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ग्रोथ करो आपका सिलेक्शन हो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा होगा सिलेक्शन होने वाला तो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे मैं सच कह रहा हूँ रियलिटी है या भी फील करोगे और सिलेक्शन नहीं हो पाया तभी तो कह रहा हूं इसको गुस्से को पालो अगर कोई ऐसा केस आपके संग हुआ है ना पालो और सिलेक्शन लेके दिखाओ हम किसी से कम नहीं ठीक है तो एक एनर्जी चाहिए होती है एक मोटिवेशनल एनर्जी वो इंटर इसी कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन ऐसे इंसान को किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती वो बस अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और एक डायरेक्शन में लगाता है हंड्रेड परसेंट बेहतरीन रिजल्ट आता है ठीक है तो मेरे जीनियस लगे रहो ठीक है और इस बार फोड़ेंगे 2023 को भी फोड़ेंगे और जो हमारे जूनियर्स हैं जिनका टारगेट 2024 है मैं सच कह रहा हूं आग लगाएंगे थैंक यू ऑल द बेस्ट बाय बेटा सरप्राइज मत भूल जाना ठीक है ऑलरेडी दो सरप्राइज मैंने बताई ही दिए हैं और भी ढेर सारे सरप्राइज आने वाले हैं बस तैयार रहो ठीक है बस लगे रहो डट के हम भी लगे रहेंगे आपके साथ थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट बाय बाय बाय